इस स्विमिंग को बुक पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो मुझे बहुत सारी लाइक्स चाहिए आपकी तरफ से कि भैया आपको समझ में आ गई है, यू फीलिंग हैप्पी, पूरा बढ़िया रिवीजन हो रहा है, तो लाइक कर दो इसी बात पे वीडियो को। और जो कोई बच्चे अभी अभी इस लाइव सेशन में जुड़े हैं तो वेलकम गाइस, हम अब विस्तार शुरू करने वाले हैं, तो अभी तुम विस्तार पढ़ लो, बाद में जो है फिर लाइव को 2x पे करके बाद में सुन लेना अपनी फ्लेमिंगो बुक का रिवीजन। तो ये रिवीजन कराने का महत्व ये है कि भैया आज से 2-3 दिन पहले तक शायद तुम्हें लग रहा हो तुम्हें कुछ नहीं आता है, बट आज जब ये फ्लेमिंगो चैप्टर पढ़ा तो ऐसा लग रहा होगा अरे ये तो 4 बार पढ़ चुके, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये हम लोगों की मेहनत से हुआ है, जो आपने इतनी मेहनत करके पढ़ाई करी, इतने इतने घंटे के लाइव सेशन अटेंड करे है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करी है, तो भाई ये फाइनल रिकॉल रिविजन है, इससे दिमाग में सब कुछ समा जाएगा, फाइनल फाइनल हो रहा है यहाँ पे सब कुछ, जब कुछ एक सेटलिंग टाइम है ये, आज जो ये पढ़ रहे हो ये लाइव सेशन को, जो ये मत समझना यार आता है कुछ और पढ़ लेते, नहीं ये समझो ये जो 2 घंटे आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो ये सब कुछ आपके दिमाग में बस रहा है इससे, ठीक है सेट हो रहा है, सेट हो रहा है दिमाग में। तो चलो अब विस्तार बुक पे चलते हैं अपनी, हम पढ़ेंगे विस्तार, और इतने में तुम लगा दो बहुत सारे लाइक्स इन द लाइक सेक्शन, ठीक है अपनी बुक पे जिसका नाम है विस्तार, विस्तार बुक पे चलते हैं हम लोग गाइस। तो विस्तार बुक की स्लाइड भी मैंने इसी वाली जो है पेन ड्राइव में रखी थी, तो ये देखो तुम्हारे लिए सारे के सारे फोल्डर्स बने पड़े हैं यहाँ पे, विस्तार कहाँ था, विस्तार आई थिंक सो मैंने यहाँ पे लगाया था विस्तार, ठीक है जी। ये रहा विस्तार बुक भी आ गई है आपके सामने, कंप्लीट करते हैं अब अपनी विस्तार को। तो भाई लाइक कर दो वीडियो को, नहीं करिए तो हाँ मैं आज बोले जा रही हूँ, मैं नहीं कहती पूरे साल तुम लोगों को लाइक करने को कुछ भी, मैंने कहा अच्छा लगेगा तो कर देंगे, बट आज कह रही हूँ बिकॉज आज मेरा मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करो, ये मेरे लिए एक तरीके की बहुत मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि यस जो मैं इतनी सारी मेहनत कर रही हूँ वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है, तो आज तो ज़रूर लाइक कर दो वीडियो को। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो है हमारी बुक जिसका नाम है विस्तार। तो विस्तार का पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल पर क्या होता है, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है न्यूयॉर्क सिटी का हैज़ 2 लेवल्स, उसके कितने लेवल हैं हमें पता है 2 हैं, बट इस चैप्टर में क्या होता है जो चार्ली मेन करेक्टर है वो पहुंच जाता है थर्ड लेवल पे, और फिर वो जो है अपनी वाइफ को बताता है, अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त को बताता है, साइकियाट्रिस्ट दोस्त कहता है भाई तू पागल है, बट वो हमें बताता है भाई ऐसा था वैसा था। तो चलो देख लेते हैं कैसा था थर्ड लेवल, तो किस किस को याद है थर्ड लेवल कैसा था, तो लाइट चैट में लिख दो थर्ड लेवल का डिस्क्रिप्शन, पढ़ने से पहले लिख दो दीदी ऐसा था थर्ड लेवल, ऐसा था, ऐसा था थर्ड लेवल, ऐसा था थर्ड लेवल, ऐसा था थर्ड लेवल, जो याद आ रहा है भाई सब लाइव चैट में लिख दो थर्ड लेवल से रिलेटेड आप लोगों को। तो चलो भैया पढ़ते हैं। बट चार्ली एक 31 ईयर्स ओल्ड का रेजिडेंट था न्यूयॉर्क सिटी का, उसको लगता था कि एक थर्ड लेवल है, ही बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द हाइपोथेटिकल लेवल एंड क्लेम्स टू हैव बीन देयर। सो हाइपोथेटिकल क्यों लिखा है, क्योंकि रियलिटी में थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है। चार्ली विजिट्स अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, तो ये लाइंस लर्न करते रहो, रीड करते रहो, ये बहुत हेल्प करेगी एग्जाम में आंसर फॉर्मेशन करने में। चार्ली विजिट्स अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड टू टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम, द साइकियाट्रिस्ट कॉल इट अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट एंड रेशनलाइजेस चार्ली एक्सपीरियंस बाय सेइंग दैट मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी फियर वरी एंड वॉर। तो वो क्या कहता है भाई सब, उसे कहता है भाई मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फियर है, वॉर है, वरी है, तो भाई तू परेशान है इसलिए तूने ये खुली आंखों से सपना देख लिया है। एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू एस्केप, सबको दुनिया से भागना है, टेम्परेरी रिफ्यूज चाहिए रियलिटी से, तो तेरे साथ भी यही हुआ है। अकॉर्डिंग टू हिम, हिम कौन है, चार्ली का जो साइकियाट्रिस्ट है, इवन हॉबीज लाइक स्टैम्प कलेक्शन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस एस्केप, यानी कि जो स्टैम्प कलेक्शन भी चार्ली कर रहा है वो कहता है भाई ये भी तेरी दुनिया से भागने का एक तरीका है। चार्ली थिंक्स अबाउट हिज ग्रैंड फादर, तभी चार्ली कहता है ऐसा नहीं है, स्टैम्प कलेक्शन तो मेरे ग्रैंड फादर भी करते थे और यूएसए के प्रेसिडेंट भी करते थे रूजवेल्ट, उन्हें तो भागने की जरूरत नहीं थी ना रियलिटी से, तो उसको ये बात सही नहीं लगती कि स्टैम्प कलेक्शन करना मतलब अपनी जिंदगी की रियलिटी से भागना है। द फास्ट ग्रोइंग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एट टाइम सीम्स टू बी अ मेज टू चार्ली। तो अब चार्ली कई बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को यूज करता था, बट सेंट्रल स्टेशन उसे कैसा लगता था, उसे लगता था भाई ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ना नीचे से अपने सड़क के नीचे से अंडरग्राउंड अपने जो है ना समझ लो अंडरग्राउंड है, सारे के सारे टनल्स निकाल रहा है, कॉरिडोर्स निकाल रहा है, जैसे वो स्ट्रेंजर थिंग्स में डेमोगॉर्गन ने पूरी नीचे से वो खुदाइयां नहीं कर दी थी, पूरे टनल्स खोद दिए थे, याद है स्ट्रेंजर थिंग्स किसी ने देखा तो वो डेमोगॉर्गन की वो पूरी दुनिया नीचे जाके। तो इसको ऐसा लग रहा है कि भैया ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, मतलब सोचो एक स्टेशन है एक सिटी में, ठीक है वो स्टेशन भैया वहां ट्रेन अलग अलग जगह, ये सोच रहा है वो स्टेशन जो है वो कॉरिडोर्स निकाल रहा है अपने, शहर की किसी गली पे पहुंच जाएगा, शहर की किसी गली पे पहुंच जाएगा, शहर की किसी गली पे सुरंगें निकाल रहा है, इसको ऐसा लगता है। तो है ना पागल, ये
है पागल ना, कहता मैंने नहीं बताई, फिर ये बात अपने साइक एक्ट्रेस को पता चले, पागल खाने में डलवा दे मेरे को, ठीक है जी। तो चलो भैया फिर जो है ये बताता है, कई बार ये गलत गलत जो है रास्ते पकड़ लेता है, वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भूल भुलैया जितना बड़ा है, तो ये कई बार गलत रास्ते पकड़ लेता है, जैसे कि वंस ही एंटर्ड द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, एक सीढ़ी चढ़ गया, एक कॉरिडोर में एंटर कर गया, रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया। एक बार पता है कहाँ पहुंचा, अपने जो है ऑफिस की बिल्डिंग से 3 ब्लॉक्स अवे, तो न्यूयॉर्क में ना ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, तो बहुत आगे पहुंच गया भाई साहब ये। और अब की बार क्या होता है भाई साहब, अब की बार पता है चार्ली के साथ क्या हुआ, दिस टाइम ही वेंट टू टाइम ट्रैवल। भाई साहब अब की बार तो ये टाइम ट्रैवल कर गया हमारा चार्ली भाई, उस अब की बार इसका जो रास्ता ये भटकता है तो क्या होता है, एक टनल सा आता है, ठीक है जी, इसके सामने एक टनल सा आता है और ये उसकी तरफ मुड़ जाता है, और तभी वो टनल जो है, नहीं सॉरी क्या आया था यार, मैंने गलती बोल दिया, ठीक है। तो अब की बार एक दिन चार्ली के साथ क्या होता है, कॉरिडोर में ये मुड़ता है, ठीक है। अब वो कॉरिडोर से ये जो है वो कॉरिडोर एंगलिंग लेफ्ट, भाई ये थर्ड लेवल के रास्ते में ना ये वर्ड जरूर लिख देना, एंगलिंग लेफ्ट, एक लेफ्ट की तरफ से मुड़ता हुआ, स्लांटिंग डाउनवर्ड करता हुआ, टेढ़ी तरफ घूम नीचे की तरफ जाता हुआ एक जगह आती है, और वहाँ पे ये चला जाता है। फिर एक टनल सा आता है, कॉरिडोर सा आता है, जहाँ पे ये अकेला चलता रहता है बहुत देर तक, और जब वो बाहर निकलता है तो भाई साहब ये पहुँच गया था थर्ड लेवल पे। अब इसे कैसे पता चलता है कि ये थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल पे स्मॉल रूम्स थे, जो मैं जो है यहाँ पे जो है सर्कल कर रही हूँ, इसको ध्यान से देखना, स्मॉल रूम्स थे, फ्यूअर टिकट विंडो थी वहाँ पे, और जो है और क्या था वहाँ पे, और क्या था हमारा, ट्रेन गेट्स जो थे, जो हमारे ट्रेन गेट्स होते हैं ना, ट्रेन गेट्स, वो बहुत कम थे, और जो वुडन इंफॉर्मेशन बूथ था, वैसे इसके ज़माने में जो इंफॉर्मेशन बूथ होगा वो किसका, सीमेंट का, ब्रिक्स का बना होगा, यहाँ लकड़ी का था। वहाँ पे जो है रास्ते में क्या रख रखे थे, रखे थे जो है ब्रास के बर्तन रख रखे थे, स्पिटॉन्स कहेंगे, बर्तन नहीं कहेंगे, जहां पे लोग पान खा के उसको थूक दिया करते हैं, ठीक है। ओपन फ्लेम ग्लास वाली लाइट थी भैया, इलेक्ट्रिसिटी से जल्दी वाली स्ट्रीट लाइट नहीं थी, स्ट्रीट लाइट थी गैस वाली, गैस से जल रही थी। तो ये सब देख के उसे समझ में आता है यार ये तो 1800 वाली सदी का जो है 1800s का जो है पूरा पीरियड चल रहा है, ये तो बड़ा पुराने जमाने का आर्किटेक्चर है। और तभी इसको लोगों के कपड़ों पर नजर पड़ती है, सबने पुराने जमाने के कपड़े पहने हैं, और ये वहां ट्रेन भी देखता है, तो ट्रेन कौन सी थी, फनल शेप्ड इंजन थी, वो स्टीम इंजन वाली ट्रेन, उसका नाम क्या है मुझे बता दो इन द लाइव चैट, और जिसको आता है नाम वो लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि तुम बहुत समझदार हो। तो क्या नाम है भाई साहब उस ट्रेन का जो चार्ली ने देखी थी, चार्ली की देखी गई ट्रेन का नाम क्या था, मैं नहीं बताऊंगी, बताओ जल्दी से, जिस बच्चे को आता है बता दो, तुम्हारी दोस्तों की भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ही ऑल्सो फाइंड दैट पीपल आर ड्रेस्ड इन आउटमोडेड आउटफिट्स, यानी कि आउटमोडेड मतलब क्या हुआ, पुराने ज़माने के कपड़े, ये तो था आगे वाले ज़माने का था। फाइनली ये एक न्यूज़पेपर पे जाके चेक करता है, वो न्यूज़पेपर था द वर्ल्ड, और द वर्ल्ड तो इसके ज़माने में छपना ही बंद हो गया था, तो इसे पता चलता है भैया मैं टाइम ट्रैवल कर चुका हूँ, और द वर्ल्ड पे डेट लिखी थी 11 जून 1894, यानी कि चार्ली ट्रैवल करके पहुँच जाता है 1894 में। तो तुम अगर सोच रहे हो चार्ली असलियत में कौन से ज़माने का था, तो चार्ली था 1945 के बाद का, क्लियर नहीं करा गया कब का था, बट 1945 के बाद का था डेफिनेटली, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू हो चुका था जिस समय पे ये स्टोरी चल रही है, तो डेफिनेटली ये 1945 के बाद का इंसान है चार्ली, और ये जो है 1894 में पहुंच चुका है ट्रैवल करके, ठीक है। अब जब ये वहाँ पहुंच जाता है, इसे समझ में आता है मैं 1894 में हूँ, तो ये ना अंदर ही अंदर खुश हो जाता है, कहता है ठीक है भैया बढ़िया जगह पहुँचा हूँ, 2 टिकट्स खरीदता हूँ अपने जो है एक शहर की जिसका नाम है गिलिसबर्ग इलियोनिस, और कल इसी थर्ड लेवल पे इसी पुराने ज़माने पे अपनी वाइफ के साथ आऊँगा, और जो है ट्रेन पकड़ के हम चले जाएंगे गिलिसबर्ग। गिलिसबर्ग कौन सा शहर है, अब गिलिसबर्ग शहर में जो है चार्ली बचपन से ही जाना चाहता था, मतलब बचपन में रहा है वहाँ पे, उसके दादाजी का घर था, और वो अपनी वाइफ के साथ अब वहाँ जाना चाहता था, ठीक है। कैसा है गिलिसबर्ग, बहुत सुंदर, ये मार्क करो, इंपॉर्टेंट है भैया गिलिसबर्ग कैसा था, तो गिलिसबर्ग में वंडरफुल टाउन था विद ओल्ड बिग फ्रेम हाउसेस, बड़े बड़े बिग फ्रेम हाउसेस थे, ये लिखोगे तो एग्जामिनर नंबर देंगे आपको, ह्यूज लॉन्स थे, बड़े बड़े लॉन्स थे, ट्रेमेंडियस ट्रीज थे, वहाँ पे जो है लॉन्ग एंड प्लीजेंट समर की इवनिंग्स होती थी, गर्मियों की शाम बहुत अच्छी होती थी, वेयर पीपल हैव टाइम फॉर ईच अदर, लोग पड़ोसी आपस में बैठ के बातें करते थे और जो है मज़े करते थे सारे। सो द नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच, अब जो है चार्ली थर्ड लेवल से घर आ जाता है अपने, और अगले ही दिन जब ऑफिस जाता है तो
$300 याद रख लो भैया, इनको एक्सचेंज करा लेता है ओल्ड स्टाइल बिल में, यानी कि 1890s वाली करेंसी में बदलवा लेता है। एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई कि जब चार्ली जो है टिकट खरीदने की सोचता है लूजिया और अपने लिए, तो ये टिकट विंडो पे जाता है और उन्हें कहता है भैया मेरे को जो है टिकट दे दो गेलिसबर्ग की। तो वो उसको डांट लगा देते हैं, कहते हैं अरे हमारा पागल मत बना, ये पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नए ज़माने के नोट उन्हें देता है। और वो कहते हैं ये थोड़ी चल, ये क्या दे रहे हो हमारे को, झूठ कर रहे हो हमारे साथ में, तो हमें स्किन कर रहे हो, मतलब हमें चीट कर रहे हो। और चार्ली डर के मारे फिर वहाँ से भाग आता है, क्योंकि जेल तो उस ज़माने की भी अच्छी नहीं थी। अब इसे 300 के बदले 200 मिलते हैं वापस, बट द लॉस डज नॉट बॉदर हिम एज ही बिलीव दैट इन गेलिसबर्ग एवरीथिंग विल बी चीपर। तो ये सोचता है अरे पुराने ज़माने में क्या ही महंगाई होगी, $100 का नुकसान भी हो गया तो क्या बड़ी बात है। हिज वाइफ लूजिया, अब इसको कभी थर्ड लेवल मिलती नहीं है, बट He could never again find the corridor leading to the third level. But अब की बार उसे कभी वो corridor नहीं मिला जिसके through ये third level पे गया था. Okay, his wife Lucia, इसकी जो दोस्त नहीं, इसकी wife जो है Lucia जो है, वो जो है after knowing all this जो है उसे कहती है यार अब बंद कर दो, अब इस third level को ढूंढना. And suddenly Charlie realizes that, अब जैसे ही ये जो है इसकी wife कहती है आप बंद कर दो ये, रोज रोज चल जाते हो थर्ड लेवल ढूंढने, हद हो गई है, तो ये बंद कर देता है ढूंढना थर्ड लेवल को, और ये स्टैम्प कलेक्शन कर रहा होता है, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेता है कि ठीक है भैया नहीं है थर्ड लेवल, नहीं है ठीक है जी मान गया मैं। और तभी इसे पता चलता है कि ये किसका दोस्त है, सैम वीनर याद रख लो इसका नाम, इज नोवेयर टू बी फाउंड, उस वो जो है कहीं गायब हो गया है। एंड हिज वाइफ कीप लुकिंग फॉर हिम इन द वीकेंड्स, और वो और इसकी वाइफ जो है कई बार उसको ढूंढते भी है सैम वीनर को। और फिर एक दिन इसको समझ में आता है अपने जो है दादाजी का स्टैंप कलेक्शन देखते हुए कि वहां पे पड़ा होता है एक फर्स्ट डे कवर, ठीक है। तो भाई एक तो भाई थर्ड लेवल नहीं मिला, ऊपर से दोस्त भी गायब हो गया, दुख ही दुख जिंदगी के अंदर। और तभी एक दिन क्या होता है, ये अपने दादाजी का फर्स्ट डे कवर्स का डब्बा देख रहा होता है। नाउ फर्स्ट डे कवर क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी स्टैंप कलेक्शन करता था, इसके दादाजी भी करते थे, तो फर्स्ट डे कवर एक टाइप का, जब भी कोई नया स्टैंप लॉन्च होता है तो जो स्टैंप कलेक्टर्स होते हैं खाली लिफाफे पे एक स्टैंप लगा के अंदर खाली पेपर रख के खुद के एड्रेस पे भेज देते हैं कि हमने ये स्टैंप खरीद लिया। तो उनके पास कैसे होगा स्टैम्प खरीद के, खुद को मेल कर लेते हैं। तो वो फर्स्ट डे कवर का डब्बा ये खोज रहा होता है, तो एक ऐसा फर्स्ट डे कवर उसमें निकल आता है जो पहले कभी भी नहीं था। तो ये हैरान होता है भैया ये कहां से आ गया फर्स्ट डे कवर, और उस पर डेट देखता है तो दादाजी के घर का एड्रेस लिखा था बहुत पुराने जमाने का। हैरान होता है कि यार ये पहले तो नहीं था, जब इतने पुराने जमाने का है तो पहले क्यों नहीं दिखा। और जब उस फर्स्ट डे कवर को ओपन करता है तो उसमें जो लेटर लिखा था, खाली पेपर था, उसको खाली पेपर पे कुछ लिखा हुआ था, यानी कि वो खाली नहीं था एग्जैक्टली, उस पर एक लेटर आया हुआ था, चार्ली के लिए था वो लेटर। वो बड़ा हैरान होता है, वो रीड करता है तो भाई वो लेटर किसके थ्रू था, सैम वीनर जो गायब हो गया था उसने लिखा हुआ था। क्या था भैया, वो सैम वीनर जो गायब हुआ था ना उसको थर्ड लेवल मिल चुका था, और वो थर्ड लेवल पे जाके सेटल हो चुका था, थर्ड लेवल से ट्रेन पकड़ के गेलिसबर्ग में जाके सेटल हो चुका था। वो जो है चार्ली को लेटर लिख के कहता है भाई थर्ड लेवल पे पहुंच जा और जो है गेलिसबर्ग में आ जा, बड़ा ही बेहतरीन जगह है गेलिसबर्ग। तो अभी ये याद देख लो, One day while fidgeting with his stamp collection, Charlie comes across a letter that was not there earlier. भाई पहले कभी नहीं था, नया letter इसे दिख जाता है first day cover. उसके ऊपर जो stamp था वो 6 cents का था, picture थी President Gary Field की, one marker है याद रख लो। The envelope was sent to July 18, 1894 to Charlie's grandfather house, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। The letter was written by Sam Wheeler, उसका जो दोस्त था, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। Sam has reached Gettysburg and is having a whale of time there. Whale of time there मतलब बहुत मजे की जिंदगी वो जी रहा है। अब वो इनवाइट करते हैं चार्ली और लूजिया को कि तुम भी गेलिसबर्ग आ जाओ, तुम भी जो है ढूंढो 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 थर्ड लेवल को, ढूंढते रहो, ऐसा उनको कह देता है। तो भैया और वो जो है वहाँ पे सैम वीनर ने जाके अपना एक नया बिजनेस भी लॉन्च कर लिया है अनाज का, क्योंकि उसका पुराना बिजनेस तो वहाँ चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा उसका पुराना बिजनेस, क्योंकि वो कौन था, वो वही साइकियाट्रिस्ट दोस्त था चार्ली का, जो उसने उसको कहा था कि तू पागल हो चुका है, कोई थर्ड लेवल है ही नहीं। तो वही भाई साहब पहुँच गया है अब थर्ड लेवल से ट्रेन लेके गेलिसबर्ग इलियोनिस। अब बात करते हैं एक और चीज़ की, जो चार्ली को लगता है भाई किसी ने फ्रॉड तो नहीं कर दिया मेरे साथ, ये फर्स्ट डे कवर किसी ने ऐसे ही तो नहीं भेज रख दिया है। तो ये जाके जब पता करता है तो इसे भी पता चलता है कि जो इसका दोस्त है जिसका नाम है सैम, उसने पता है क्या करा है, उसने जो है $800 जो है बदलवाए थे ओल्ड स्टाइल करेंसी बिल के, जैसे चार्ली ने 300 बदलवाए थे उसने 800 बदलवाए थे, और जाके वहाँ अपना बिजनेस कर रहा है। विद दिस कंप्लीट होता है हमारा थर्ड लेवल भी। तो भैया
मोटिवेशन डाउन मत होने देना, परेशान मत होना, डोंट गेट टायर्ड, जल्दी से पढ़ेंगे अगला चैप्टर। तब तक के लिए जो है एक मिनट का ब्रेक लेते हैं, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कोई क्वेरीज है तो पूछ लो मुझसे पिंड कमेंट के अंदर, आफ्टर द लाइव सेशन आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। चलो जी पढ़ते हैं द थर्ड लेवल। नहीं भैया, थर्ड लेवल तो कंप्लीट हो चुका, तो अब पढ़ना है द टाइगर किंग। तो टाइगर किंग में क्या होता है, द महाराजा सर जलानी जंग जंग बहादुर ऑफ प्रतिबंधापुरम इज ऑल्सो नोन एज द टाइगर किंग। तो इसमें हम एक ऐसी राजा की कहानी पढ़ी है जिनके बहुत सारे नाम है, जैसे कि महाराजा सर जलानी जंग जंग बहादुर, टाइगर किंग भी इनका नाम है। जब ये 10 दिन के थे तो एक मिरेकल यानी कि एक चमत्कार होता है इनकी लाइफ में कि ये बोल पड़ते हैं। क्या बोलते हैं ये, कि एस्ट्रोलॉजर्स ने जो है गाइस इनके लिए प्रेडिक्शन करी होती है कि जब ये बड़े होंगे तो बहुत ज्यादा बड़े ब्रेव वॉरियर तो बनेंगे बट एक दिन मर जाएंगे। तो जो है ये बोलते हैं, 10 दिन का बच्चा बोलता है तभी चमत्कार लिखा है। ये उस एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं कि अंकल अंकल मुझे ये तो बताओ कि मैं मरूंगा कैसे। तो पूरी वहां पे आस पास में खड़ी हुई लोग हैरान हो जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैरान परेशान हो जाता है कि भाई ये बच्चा 10 दिन का बोला, एक तो चमत्कार हो ही गया, ऊपर से इतना लॉजिकल सवाल पूछ रहा है कि मरूंगा कैसे, ये बताओ भाई। तो वो उसको बता देते हैं टाइगर किंग को 10 दिन के, कि तुम बुल के आर्मी में पैदा हुए हो, बुल और टाइगर दुश्मन है तो तुम्हें मारेगा तुम्हारी लाइफ में एक टाइगर। ओके, सो नाउ जो है टाइगर किंग के बचपन में, उसके बाद 10 दिन के बाद कोई चमत्कार नहीं होता है। नॉर्मल जैसे हर बच्चा बड़ा होता है वैसे ये बड़े हुए, बट ये नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं, क्योंकि ये एक राजकुमार थे और ये जमाना जो चल रहा है इस चैप्टर में वो चल रहा है ब्रिटिश राज का, जिस समय ब्रिटिशर हमारे पे रूल कर रहे थे, उस जमाने की एक स्टोरी है ये। और ये कहाँ के राजकुमार थे, प्रतिबंधापुरम के, प्रतिबंधापुरम नाम के एक जगह के राजकुमार थे ये। तो इनका पालन पोषण कैसे हुआ, ये रॉयल चाइल्ड ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड टॉलर, बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बड़े टॉल हो जाते हैं इंग्लिश एनवायरनमेंट में बड़े हुए। ये लर्न कर लो लाइंस को, टॉट बाय एन इंग्लिश ट्यूटर, लर्न कर लो इसको। ड्रैंक मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, इंग्लिश काउ का ही मिल्क पीते थे। लुक्ड आफ्टर बाय इंग्लिश नैनी, इंग्लिश नैनी ध्यान रखती थी। वॉच्ड इंग्लिश फिल्म्स, इंग्लिश फिल्म देखते थे। और जब ये 20 साल के हो जाते हैं इन्हें राजा बना दिया जाता है प्रतिबंधापुरम का। फिर क्या होता है जी, फिर जो है गाइस जब ये 20 साल के होते हैं तो इनको पता चल जाता है कि भैया मेरे को टाइगर मारेगा, सुनने में आती है ऐसे बात। तो ये जो है जाके एक टाइगर को मार देते हैं अपने जंगल में, एंड उस एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं जिसने कहा था इनको कि तुझे तो टाइगर मारेगा। तो एस्ट्रोलॉजर जब कोई ये दिखाते हैं कि भाई देखो मैंने तो टाइगर इतनी आराम से मार दिया, तो तब क्या होता है, तब क्या होता है, तब एस्ट्रोलॉजर वांट हिम टू बी केयरफुल विद द 100 टाइगर, याद है ना। तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा, सर जी 99 ऐसे ही मार दो, 100 वैसे ध्यान में रखना। तो फिर जो है इन्होंने क्या करा, अपना सोल एक पर्पस बना लिया कि मेरे अलावा कोई टाइगर को मारेगा नहीं, और जब तक मैं 100 टाइगर्स नहीं मार दूंगा अपनी ज़िंदगी में तब तक मैं कुछ और काम नहीं करूंगा। तो वो जो है 100 टाइगर मारने पे जुट जाते हैं। इतनी ज़्यादा मुसीबतें झेलते हैं, कभी कभी मरने वाले होते हैं, टाइगर इन पे झपट्टा मार देता है, टाइगर से ये बेयर हैंड से लड़ते हैं बट हमेशा जीत जाते हैं, यानी कि बहुत ही ताकतवर हैं, टाइगर्स को मार देते हैं ये। अब देखो एक बारी इनका जो किंगडम था, इनकी जो राजगद्दी थी उस पे भी जो है वो छिनने वाली थी इनसे, इस टाइगर ऑब्सेशन की वजह से, ये जो टाइगर किलिंग का पे फितूर सवार था। क्या हुआ था, एक ब्रिटिश ऑफिसर, बहुत बड़ा ब्रिटिश ऑफिसर इनको कहता है मुझे आके हंट करना है प्रतिबंधापुरम में, तो वो मना कर देते हैं। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है हंटिंग मत करने, तो फोटोग्राफी खिंचवाने दो टाइगर की डेड बॉडी के साथ, तो ये उसको भी मना कर देते हैं। और बाद में डर जाते हैं, भैया इतने बड़े ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया, कई सड़कें हमारे से हमारा राज्य ना छीन ले। तो देन उसको अपने राज्य को बचाने के लिए राजा क्या करते हैं, ये जो है अपने किंगडम में जो है उसको सेव करने के लिए 50 एक्सपेंसिव रिंग्स मंगाते हैं, जिसकी लगभग कीमत होती है 3 लाख रुपए की, ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के लिए। एक डब्बा मंगाते हैं बहुत सारी ब्यूटीफुल डायमंड रिंग्स का, एंड उसको भेज देते हैं उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ पे कि भैया इसकी वाइफ को मना लेंगे तो ये क्या मान ही जाएगा ये तो बेचारा। और वो जो है डब्बे को भिजवा देते हैं 50 रिंग वाले वाइफ को, सोचते एक आध चूज करके वापस कर देगी, बट वो थी ब्रिटिशर, वो थी उन्हें लूटना आता था इंडियंस को। तो उसने 50 की 50 रख ली, एंड उसने थैंक यू लिख के भेज दिया, और अगले 3 लाख रुपए का बिल आ गया। तो उन्होंने कहा चल 3 लाख तो गए, कम से कम अपना राज्य तो बचा। फिर महाराजा ने 10 सालों के अंदर 70 टाइगर मार दिए थे, ये बात को आप याद रखना। अब 70 टाइगर मारने के बाद इन्हें एक भी टाइगर अपने यहाँ पे नहीं मिल रहा था, तो उसके बाद जो है इन्होंने मैरिज करी, एज देयर वर नो मोर टाइगर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाई टाइगर किंग मैरिज गर्ल फ्रॉम
अ किंगडम वेयर देयर वर मेनी टाइगर्स, ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन आए तो एज देयर वर नो मोर टाइगर्स लेफ्ट इन प्रतिबंधापुरम, महाराजा मैरिड अ गर्ल फ्रॉम दैट रॉयल स्टेट विच हैड मोर टाइगर्स. ठीक है, फिर हंटेड इन हिज फादरलैंड, जब जब जाते थे ससुराल, ससुराल जाते थे टाइगर मारते थे, ससुराल जाते थे टाइगर मारते थे, तो इतने क्रूअल थे ये भैया. ससुराल जाके भी ये अपने ससुराल में टाइगर किलिंग करते थे भैया. ससुराल गए हैं जंगल में, पहुँच जाते थे और टाइगर्स को ये बेजान, हमारे टाइगर्स को जो है बेजुबान टाइगर्स को ये इतने अत्याचारी थे ये राजा, मार दिया करते थे. और ऐसे करते करते इन्होंने 99 टाइगर्स, 99 टाइगर मार लिए थे, बट जो 100वां टाइगर था वो मिलने को ही नहीं दे रहा था. बहुत दिनों तक वेट करते हैं, 100वां टाइगर मिलता ही नहीं है और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा राजा. तभी एक इनको गुड न्यूज़ मिलती है, इनके लिए है वो गुड न्यूज़, न्यूज़ रिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ टाइगर नियर अ विलेज. इन्हें न्यूज़ आती है कि भैया उस वाले विलेज के अंदर जो है टाइगर मिल गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतने खुश हो जाते हैं कि भाई हाँ इस विलेज में टाइगर मिल गया. 3 साल के लिए उन्हें टैक्स एग्जेम्पशन दे देते कि उन्हें टैक्स भरने की जरूरत नहीं है. उसके बाद जब ये वहां उस विलेज में जाके बैठ जाते हैं उसके जंगल में और टाइगर का वेट करते हैं और टाइगर नहीं आता, तो इन एंगर ही डबल लैंड टैक्स. तो कोई इरेशनल बिहेवियर है, जब मन करा जो कर रहे हैं, खुश हो गए विलेजर से भैया तुम्हारे यहां मुझे टाइगर मिलेगा तो 3 साल के लिए टैक्स मत दो. गुस्सा आया जब वहां का टाइगर मिला नहीं तो डबल कर दिया टैक्स को. तो ऐसा काम ये कर रहे थे. तो दीवान साहेब जो थे, जो इनके काउंसिलर थे, जो इनकी मदद करते थे, तो वो जो है इनको समझाते हैं, सर जी ऐसा मत करो भैया, राजा हो आप ऐसे हरकतें नहीं कर सकते हो. तो ये उनको भी धमका देते हैं. तो दीवान साहेब क्या करते हैं, एक टाइगर लेकर आते हैं कहां से, पीपल्स पार्किंग मद्रास, यानी कि बेसिकली एक जू से टाइगर लेकर आते हैं, अपनी गाड़ी में बैठाते हैं उसको, पहले अपने घर में रखते हैं, रात को गाड़ी में बैठाते हैं, फिर उसको जंगल के बाहर लेकर आते हैं. अब जंगल के बाहर जब टाइगर आता है तो टाइगर कहता है मैं तो नहीं उतरूंगा गाड़ी से, मैं क्या पागल हूं. तो ये धक्का मार के अपनी वाइफ के साथ टाइगर को जंगल में लेकर आते हैं और जो है जंगल में वो टाइगर जो है टाइगर किंग के सामने आ जाता है. जैसी टाइगर किंग के सामने आता है, किंग शॉक द टाइगर, कोलैप्स हो जाता है टाइगर. ओके ठीक है. किंग थॉट इट वॉज डेड, वेंट होम एंड ट्रायम्फ्ड, यानी कि किंग को लगता है अच्छा वो मर गया है तो वो बहुत खुशी से चले जाते हैं, बट एक्चुअली ही हैड मिस्ड इट, याद है ना, मिस कर चुके थे वो. शॉट अगेन एंड किल्ड बाय हंटर्स, अब जो है टाइगर को हंटर्स मार देते हैं क्योंकि वो भी डर जाते हैं, अगर टाइगर किंग को बता दिया भैया तुमने टाइगर नहीं मारा तो यहाँ में गुस्सा करेंगे. एंड जो है फिर क्या होता है, जो वो टाइगर की डेड बॉडी, जो 100वां टाइगर था जिसको टाइगर किंग ने नहीं मारा, हंटर्स ने मारा था, उसको ये राजमहल ले जाते हैं बड़े जश्न के साथ, प्रोकेशन मतलब जुलूस निकालता हुआ, और उसको बरी करके उसके ऊपर एक टोम्ब बनवा देते हैं. अब देखो जी क्या होता है, अब जो है महाराजा जो होते हैं इनकी डेथ होने वाली है. क्यों होने वाली है, क्योंकि देखो अब जब इन्होंने टाइगर वाइगर मार लिए थे, 100 टाइगर मार दिए, इन्हें लगा भैया सब सही हो गया, तो इन्होंने अपने राजे पे, अपने बच्चों पे, अपनी जो है घराने पे ध्यान देना शुरू करा. तो अब इनका बेटा होता है, इनका बर्थडे का इनके बेटे का बर्थडे होता है, तो बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदने जाते हैं बाजार में. बाजार जाते हैं तो एक टॉय शॉप पे इन्हें एक टाइगर ही पसंद आ जाता है, और वो जो टाइगर था वो जो है बहुत महंगा नहीं था, बहुत सस्ता था, बट वो दुकानदार इन्हें बहुत महंगा करके बताता है 300 रुपये का, कि टाइगर किंग सड़ ना जाए कि इतना सस्ता चीज़ मुझे बेच रहे हो, राजकुमार के लिए शर्म नहीं आती तुम्हें, तो वो महंगा बताता है 300 का, बट ये 300 भी उसे नहीं देते, कहते तुम्हारी तरफ से गिफ्ट हो गया हमारे राजकुमार के लिए. वो जो टाइगर था लकड़ी का जो टाइगर था वो अच्छा नहीं बन रखा था, उसकी क्राफ्टमैनशिप इतनी बढ़िया नहीं हो रही थी, उसमें से तिनके निकल रहे थे. एक दिन अपने बच्चे के साथ खेलते हुए वो तिनका टाइगर किंग को चुभ जाता है, ऐसे ही उस समय वो तिनका बाहर निकाल देते हैं, बट अगले ही दिन इन्फेक्शन पूरी बॉडी में उनका फैल जाता है और जो है उनके ऑपरेशन करने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं, ऑपरेशन किया जाता है, एज अ रिजल्ट टाइगर किंग मर जाते हैं और डॉक्टर्स बाहर आके कहते हैं ऑपरेशन इज सक्सेसफुल. वो ये ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि हर डॉक्टर को भी पता था और सबको पता होगा गाइज ऑब्वियसली कि जो टाइगर किंग है उन्हें अपनी गलतियों की सजा मिल गई है. 100वां टाइगर कौन था, 100वां टाइगर आता है लकड़ी का टाइगर बनके जो अपने टाइगर का बदला ले लेता है. ठीक है जी, तो फाइनल रिवेंज बाय द 100 टाइगर, जो एक रियल टाइगर नहीं था, जो एक वुड का टाइगर था. विद दिस आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे. तो विद दिस कंप्लीट हो चुका है हमारा टाइगर किंग भी, तो जल्दी से लाइक बनता है इसी बात पे इन द कमेंट सेक्शन. तो विद दिस जो है चलो शुरू करते हैं अब जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. बहुत ईजी, बहुत ही सिंपल चैप्टर, इसमें जो हमारी राइटर है वो अंटार्कटिका जा रही है और हमें बता रही है क्या हो रहा है. तो राइटर विजिटेड अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को वो क्या कहती है,
कोल्डेस्ट है, ड्राइएस्ट है, विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। कैसे जाती है? एक रशियन वेसल में बैठ के जाती है जिसका नाम है कॉस्मिक शुलास्की। जर्नी बिगिन करती है उनकी चेन्नई से, पास करती है बहुत सारे ज्योग्राफिकल एरियाज को, बहुत सारे इकोलॉजिकल एटमोसफियर को, और जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो फर्स्ट रिएक्शन कैसा होता है? रिलीफ का, चैन का। तो ये याद रख लो, रिलीफ का होता है फर्स्ट रिएक्शन, फॉलोड बाई वंडर, फिर हैरान हो जाती है, इतना भाई क्या है अंटार्कटिका देख के बहुत हैरान हो जाती है, एंड उसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री को याद करती हैं। अंटार्कटिका जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है? जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, बिफोर ह्यूमन एवोल्यूशन, यानी ये जब हम लोग अर्थ पे नहीं आए थे और डायनासोर भाई होते थे, तो तब अंटार्कटिका जो था वो ह्यूज ट्रॉपिकल लैंड मास था, यानी कि अंटार्कटिका पे ऐसे बर्फ की जमी हुई चादर नहीं थी, बल्कि अंटार्कटिका में तो बहुत ही बढ़िया सा एटमोसफेयर होता था, बिल्कुल गर्म ट्रॉपिकल एटमोसफेयर होता था, और तब इसको कहते थे हम गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में गाइस बहुत सारे कॉन्टिनेंट इकट्ठे थे, पता है आपको, इंडिया, अफ्रीका, और आपका जो है मानो साउथ अमेरिका, और ये अंटार्कटिका, ये ना सारे भाई भाई थे, और ये इधर यूरेशिया नाम का एक जो है कॉन्टिनेंट था, ऐसी दिखती थी पहले हमारी अर्थ। फिर पता नहीं क्या हुआ, टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट हुई, इंडिया चला गया एशिया की तरफ, अफ्रीका भी चला गया, अफ्रीका तो यहीं रहा था, साउथ अमेरिका चला जाता है नॉर्थ अमेरिका की तरफ, और ये अंटार्कटिका नीचे पहुँच जाता है और बर्फ़ की चादर से ढक जाता है। तो ये जो चेंजेस हुए ये उन्होंने वहाँ जाके एक्सपीरियंस करे कि भाई अंटार्कटिका एक जमाने में गर्म भी हुआ करता था। ठीक है जी, अब वो वहां जाके उसका जो है, जब वो देखती हैं अंटार्कटिका को, तो वो बिल्कुल परेशान हो जाती हैं, हैरान हो जाती हैं। परेशान क्यों होती है? क्योंकि हम जितनी ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं उससे अंटार्कटिका को भी नुकसान पहुंच रहा है, और हैरान हो जाती है अंटार्कटिका को देखकर, क्योंकि अंटार्कटिका में कोई भी ह्यूमन जो है इम्प्रिंट्स नहीं है, ना ही वहां कोई सड़कें हैं, ना ही वहां कोई बिलबोर्ड है, ना ही वहां कोई कैफेज हैं। तो वहां जाके उनको कहते हैं समय का ही अंदाजा नहीं होता कि कब क्या कैसे चल रहा है। ठीक है जी, तो यही है सिंपल सा चैप्टर आपका जो है हमारा, द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, अ विजिट टू अंटार्कटिका गेव द राइटर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माउंटेन, द अर्थ हिस्ट्री एंड इकोलॉजी ऑफ द एनवायरमेंट। तो ये वाली लाइन लर्न करनी है आपको इसमें, द राइटर फेल्ट अनसेटल्ड इन 2 weeks टाइम, नॉट ओनली बिकॉज शी केम फ्रॉम अ हॉटर प्लेस, बट ऑल्सो बिकॉज ऑल फीचर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन वर एबसेंट। उन्हें ना बड़ा अजीब सा लगता है भैया अंटार्कटिका में जाके, पहला ये बात कि वहाँ ठंड इतनी थी, दूसरा वहाँ पे ऐसा लगता ही नहीं है कि दुनिया में हो, इस वहाँ कोई ह्यूमन इम्प्रिंट था ही नहीं। ठीक है जी, वहाँ तो सिर्फ आवाज़ भी अगर आती थी तो कोई बस के हॉर्न की, कोई गाड़ियों की आवाज़ें नहीं, कोई डीजे की आवाज़ें नहीं, आवाज़ भी आती थी सिर्फ एवलॉन्च की, यानी कि बड़े बड़े आइसबर्ग्स के टूटने की आवाज़ें आती थी। देन उन्होंने ह्यूमन इम्पैक्ट बताया हमारे को कि किस तरीके से ह्यूमन्स अंटार्कटिका को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करें, हम ग्लोबल वार्मिंग करें, उससे अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघलेगी, वो पिघलेगी तो हमारा अंत भी नियर ही है। देन शी टोल्ड अस कि वो अंटार्कटिका कैसे गई थी, तो वो गाइस अंटार्कटिका गई थी स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम पे। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम किसने चालू करा था? एक कैनेडियन थे, एडवेंचरर थे, एजुकेटर थे, जियोफ ग्रीन। वो बच्चों को अंटार्कटिका ले जाना शुरू करते हैं टू क्रिएट अवेयरनेस इन देम। क्या क्यों करा उन्होंने? अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और जो है इस तरीके से इसी शिप पे बैठ के जो है हमारी मैडम गई थी तिशानी दोषी। फिर उन्होंने एक चीज़ और बात हमें बताई कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें जो स्मॉल थिंग्स होती हैं वो बड़ा इंपैक्ट लेकर आती हैं। उसका एग्जांपल उन्होंने दिया था फाइटोप्लैंकटन से हमारे को, कि जो हमारा समुद्र होता है उसमें एक टाइप की जो है एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसको हम कहते हैं फाइटोप्लैंकटन। और वो जो फाइटोप्लैंकटन है वो क्या करता है, वो जो है खाना बनाता है अपना फोटोसिंथेसिस करके। और जब अर्थ के हम क्या कर रहे हैं, हम पॉल्यूशन कर रहे हैं और हम यूवी रेज आ रही हैं अब हमारे अर्थ पे, क्योंकि ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, तो उससे फाइटोप्लैंकटन अपना खाना नहीं बना पा रहे हैं। और अगर फाइटोप्लैंकटन खाना नहीं बना पाएंगे तो फाइटोप्लैंकटन पे पूरी मरीन लाइफ डिपेंड करती है, उसे मछली खाती है, फिर मछली को बड़ी मछली, फिर चिड़िया, तो पूरी फूड चेन बिगड़ सकती है अगर फाइटोप्लैंकटन खाना नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए उन्हें वहाँ जाके समझ में आता है कि कैसे अगर हम फाइटोप्लैंकटन के लिए ही छोटा सा स्टेप लेके ग्लोबल वार्मिंग ना करें तो पूरी दुनिया एक जगह पे सही हो सकती है, दैट हाउ स्मॉल थिंग्स एंड द बिगर वंस विल ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ। ठीक है, फिर वो वापस जब वापस आ रही होती हैं अपने घर अंटार्कटिका से, तो वो रास्ते में उनका जो शिप है वो अटक जाता है, रुक जाता है रास्ते के अंदर कहीं बर्फ़ के जो है जगह में। तो इनको जो है बर्फ़ पे चलने का भी मौका मिलता है, जो पूरी आइस का जो समुद्र था जो जमा हुआ था ये उसके ऊपर चलती हैं, तो बिल्कुल ही एक अलग एक्सपीरियंस इनके लिए वो रहता है। उसी को इन्होंने लिखा है वॉक ऑन द ओशियन एंड फाइनली रीचिंग होम शी वंडर्ड वेदर अंटार्कटिका वुड एवर बी वार्म अगेन, कि कहीं का दोबारा तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि अंटार्कटिका दोबारा से गर्म हो जाए जैसे गोंडवाना लैंड के समय पे था। एंड हाउ मच डिफरेंस अमेज
मिलियन ईयर्स कैन मेक एंड दैट ईच डे मेक्स अ डिफरेंस. और क्या ये सब देखने के लिए हम होंगे भी, और क्या हम कुछ डिफरेंट करेंगे, क्या इतने सालों से जो हमने अर्थ को नुकसान पहुंचाया क्या हम वो सब बदल सकते हैं, ऑल दैट ये सब वो सोच रही होती है. तो विद दिस गाइस ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है. अब आते हैं हम अपने अगले चैप्टर पे, द एनिमी. तो भाई आप जरा एक मिनट का पॉज करते हैं, तुम इतनी देर जरा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर नहीं करी है. तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो मुझसे पिन कमेंट के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर, आई विल रिप्लाई टू यू. एंड हम पढ़ते हैं द एनिमी. ओके गाइस, तो विद दिस फिर से शुरू करते हैं. एक बार फिर से फायर सिंबल लगा दो लाइव चैट के अंदर, क्योंकि जो है कंप्लीट करना है अब हमें एनिमी चैप्टर एंड अपनी विस्तार बुक को फुल ऑन एंड देन पोम्स को. तो आई विल बी हेयर, मैं तुम्हें पूरा रिवीजन कराऊंगी, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करवाऊंगी. तो डोंट टेक एनी टेंशन एंड जस्ट अटेंड दिस सेशन. तो चलो शुरू करते हैं हम द एनिमी चैप्टर, जिसको लिखा है पर्ल एस बक ने. इस चैप्टर में आपको वॉर टाइम की सिचुएशन दिखा रखी है, जब अमेरिकी और जापानी का वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, और कैसे वॉर के समय पे एक आम आदमी की जिंदगी पे इफेक्ट आता है ये आप जानोगे. तो डॉक्टर सदाओ कौन है, एक जापानी सर्जन है, फाइंड्स अ वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर ऑन द बीच नियर हाउस. तो डॉक्टर सदाओ एक बहुत बड़े सर्जन है, वो जो है अमेरिका से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आए हैं. एंड उन्हें मिलता है क्या मिलता है, क्या मिलता है उनको, मिलता है अपने घर के बाहर जब वो खड़े होते हैं, एक अमेरिकन आके गिर जाता है उनके घर के बाहर. अब जो है वैसे तो वो उनका दुश्मन था, वो अमेरिकी था, तो बट क्योंकि उनमें इंसानियत थी, ही इज़ अनएबल टू थ्रो हिम बैक दो ही वॉज हिज एनिमी एज ही वॉज डॉक्टर फर्स्ट एंड इट वॉज हिज ड्यूटी टू सेव हिज लाइफ. तो ये लाइन लर्न कर लो कि क्यों डॉक्टर सदाओ उसको वापस समुद्र में नहीं फेंकते हैं, बिकॉज दुश्मन तो था बट पहले वो घायल था और वो डॉक्टर है तो उनकी ड्यूटी है उसको ट्रीट करना. ठीक है, हैना हिज वाइफ, जो उनकी वाइफ है हैना, दो इनिशियली रिलक्टेंट बिकॉज इट वॉज डेंजरस फॉर ऑल, तो वो मना करती है, नहीं हम इसको नहीं लेकर जाएंगे अपने घर के अंदर, क्योंकि बच्चों के लिए और सभी के लिए ये डर की बात है कि उन पे इंजाम आ जाएगा कि वो एक एनिमी को अपने घर में रख रहे हैं. बट देन जॉइंस हर हस्बैंड इन ऑपरेटिंग एंड नर्सिंग द एनिमी सोल्जर. तो ऑपरेट करती है पहले, तो भैया वो याद है ना कैसे ऑपरेशन में साथ देती है, एनेस्थीसिया भी देती है और बहुत ज़्यादा हेल्प करती है डॉक्टर सदाओ की. और फाइनली क्या हेल्प करती है, फाइनली उस बच्चे को जो है, वो जो लड़का उनके घर के बाहर आया था वो टॉम था, 17-18 साल का होगा वो लगभग, आप एग्जैक्ट एज पता है किसी स्टूडेंट को तो बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी से क्या थी एग्जैक्ट एज. तो ये जो क्वेश्चंस मैं तुमसे इतनी बारीकी वाले पूछ रही हूँ ना, ये इसीलिए पूछ रही हूँ कि कोई गैप्स ना रह जाएं. तो भाई वो जो है, फिर ये जो टॉम होता है हमारा, उसको खाना भी खिलाती है, उसको चम्मच से सूप भी पिलाती है, एक बच्चे की तरह उसका ध्यान रखती है हैना सदाओ की वाइफ. हैना जो है पूरा ध्यान रखती है उस सोल्जर का, सोल्जर है वो, प्रिजनर ऑफ वॉर है वो, जो वॉर के समय पे ना, जब अमेरिका और जैसे जापान का वॉर चल रहा है, वो एक सोल्जर है, उसको जापानियों ने पकड़ लिया और फिर अपने पास रखे, टॉर्चर करा होगा कैसे भी करके, वो ना भाग आया था, भागा, उसके पीठ पे गोली भी लग रही हुई थी, उस गोली को ऑपरेशन करके डॉक्टर सदाओ ने बाहर निकाला था. और अब जब उसको गोली लगी थी तो वो क्या हुआ था, वो गोली लग के पानी में गिर गया होगा समुद्र के अंदर, उस समुद्र के अंदर भी वो डूबते डूबते बचा होगा, वहां पे उसको रॉक्स ने, जो पत्थर होते हैं समुद्र के, छिल गई थी उसकी पूरी बॉडी, बट फिर भी डॉक्टर सदाओ इतने बढ़िया डॉक्टर थे, उसे ट्रीट करके बिल्कुल ठीक कर देते हैं. और फिर असमंजस में, यानी कि कंफ्यूजन में पहुंच जाते हैं कि अब इस इंसान का क्या करूं, अपने एनिमी का क्या करूं, अब मैं इसे अपने घर पर रख के क्या करूं, मैं कंफ्यूज हो जाते हैं. डॉक्टर सदाओ उसको ट्रीट भी कर देते हैं, हैना भी उसको ट्रीट करती है, बट उनके जो नौकर थे घर के, उन्हें ये बात पसंद नहीं आती है. वो पहले तो उन्हें वॉर्न करते रहते हैं कि आप ऐसा मत करो, आप ऐसा मत करो, और एक दिन उनका घर छोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं हम आपका इस चीज़ में साथ नहीं देंगे. तो वो लोग बहुत डर भी रहे थे कि एक एनिमी को अपने घर पे रख भी रहे हैं, और परेशान भी थे कि क्या करें भैया, मार थोड़ी देंगे, अब ऐसे इंसानियत उनके अंदर थी. अब एक दिन क्या होता है, सारे सर्वेंट घर से बाहर चले गए, हैना घर का काम भी कर रही है, बच्चों को भी संभाल लिया, डॉक्टर सदाओ भी. एक दिन उनके घर में एक बड़ा सा ऑफिसर आता है और वो डर जाते हैं, कई नौकरों ने हमारी कंप्लेंट तो नहीं कर दी है, और देखते हैं जाके क्या हुआ है, हैना डर जाती है. तो वो ऑफिसर बताता है कि जनरल की तबीयत ठीक नहीं है, और हैना कहती है बस इतनी सी बात है. तो वो जो है जनरल कहता है, अच्छा ये क्या इतनी सी बात है कि जनरल की तबीयत खराब है? तो वो कहती है हाँ नहीं नहीं मैं ऐसे ही कह रही थी. और फिर डॉक्टर सदाओ के पास जाती है, और डॉक्टर सदाओ वो आपस में डिस्कस करते हैं, तो डॉक्टर सदाओ उसको कहते हैं तुम चिंता मत करो मैं देख कर आता हूँ जनरल को. अब आते हैं जनरल के सिनेरियो पे. तो भाई डॉक्टर सदाओ ने एक बहुत बढ़िया डॉक्टर है,
और जो है यहाँ का जो जनरल है जापान को, उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो उसने क्या करा, उसने डॉक्टर सदाओ को यहाँ जापान में रुकवा लिया। इवन तो डॉक्टर सदाओ को जाना था सोल्जर्स के साथ में वॉर पे, कि वो वहाँ पे जाके सोल्जर्स को ट्रीट करेंगे, इतने बढ़िया डॉक्टर है वो, बट जनरल उनको अपने सेल्फिश पर्पसेस के लिए नहीं जाने देते कि भाई मेरी तबीयत खराब होगी तो मेरा इलाज इतना बढ़िया डॉक्टर सदाओ ही करेगा। तो इसलिए डॉक्टर सदाओ को ऐसे लगता है कि जनरल तो उनके जो है पूरी बातें मान सकते हैं, जनरल को उस पर पूरा भरोसा है, उनकी जान, जनरल की जान मतलब डॉक्टर सदाओ के हाथों में थी। तो डॉक्टर सदाओ पूरा सच के भैया एक लड़का ऐसे मेरे घर के बाहर आके गिरा, मैंने उसकी तरह ट्रीट करा, उसको ऑपरेशन करा, ये वो सब जनरल को बता देते हैं। अब जनरल उन्हें ऑफर करता है कि भाई तुम कहोगे तो मैं कातिल भिजवा दूंगा तुम्हारे घर पे और उसको ठिकाने लगवा दूंगा। तो डॉक्टर सदाओ ना चाहते हुए भी कहते हैं जी ठीक है आप ऐसा कर दीजिए। 3 दिन तक डॉक्टर सदाओ वेट करते हैं, बट जनरल क्योंकि सेल्फिश था, वादा करके याद तो रहता नहीं था उसको, तो वो जो है कभी भी डॉक्टर सदाओ के घर पे असैसिन्स भेजता ही नहीं है। तो डॉक्टर सदाओ टेकिंग एडवांटेज ऑफ द जनरल सेल्फ अब्सॉर्प्शन, यानी कि जब उसने तो है ध्यान ही नहीं दिया, तो डॉक्टर सदाओ डिसाइडेड टू सेव द सोल्जर्स लाइफ। तो प्रिजनर ऑफ वॉर की लाइफ को सेव करने का डॉक्टर सदाओ सोचते हैं। और फिर वो जो देखते हैं कि जैसे ही वो आउट ऑफ डेंजर है, यानी कि इतना बड़ा ऑपरेशन उसका हुआ था, जैसे ही वो देखते हैं कि उसकी तबीयत ठीक हो चुकी है, तो डॉक्टर सदाओ क्या करते हैं, डॉक्टर सदाओ अभी यहाँ पे मैंने स्लाइड में सॉरी इंक्लूड नहीं करा है, तो डॉक्टर सदाओ उसके लिए खाना रखते हैं, कुछ फूड लाते हैं, कैंड फूड, कुछ पानी की बॉटल लाते हैं। उनके घर तो जैसे मैंने आपको बताया है बीच पे है, नहीं बताया तो अब बता देती हूँ, बीच के पास पे इनका घर था, तो ये समुद्र बिल्कुल इनके घर के सामने, वहीं समुद्र से ये एनिमी आया था। तो ये वहाँ पे बोट लगाते हैं आगे, बोट पे इसको बिठा देते हैं और इसको खाना देते हैं, पानी देते हैं, अपनी फ्लैश लाइट देते हैं और इसको बताते हैं एनिमी को कि भाई तू चला जा अब यहाँ से। वहाँ आगे 2 आइलैंड्स हैंगे, वो जो आइलैंड है वो ज़्यादातर पानी में सबमर्ज रहता है, अब के समय पे नहीं होगा, तो सबमर्ज पानी में रहते तो वहाँ पुलिस नहीं होते, वहाँ कोई जो है गार्ड करने नहीं आता है। तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ पे कोरियन फिशिंग बोट आएगी, उनसे लिफ्ट मांगे तुम अमेरिका आराम से पहुँच सकते हो, और जब तक तुम वहाँ पे होगे तो तुम मछली भी खा सकते हो रॉ, और अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो मुझे फ्लैश लाइट कर देना, मैं तुम्हें हेल्प करने आ जाऊँगा। और वो उसको भगा देते हैं एनिमी को। कुछ दिनों बाद वो वापस, जनरल की तबीयत खराब होती है, गॉल ब्लैडर में दिक्कत होती है, उससे मिलने जाते हैं, तो जनरल को बताते हैं कि उन्होंने सोल्जर जो है वो भाग चुका है, वो प्रिजनर ऑफ वॉर भाग गया। तो जनरल उनसे कहता है, माफ़ी मांगता है एक तरीके से, और कहता है मैं जो है तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं कातिलों को भिजवाना भूल गया तुम्हारे यहाँ पे, ये मत सोचना कि मैं ज्यादा पेट्रियोटिक नहीं हूँ, कि मुझे अपने देश की परवाह नहीं है। तो जो है डॉक्टर सदाओ कहते हैं, नहीं नहीं सर मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप भी ये मत सोचना जो मैंने उसे अपने घर से भागने दिया तो कि मैं कम पेट्रियोटिक हूँ अपने देश के लिए। तो दोनों का सेटलमेंट हो जाता है। अब डॉक्टर सदाओ को पता है उन्हें तो कोई सजा मिलेगी नहीं सोल्जर को भगवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने तो जनरल को कह ही दिया था कि आप मरवा दो इसको। अब जनरल के ऊपर सारा बिल फट चुका था कि भैया उसने जो है असैसिन्स नहीं भिजवाए थे, और वहां पे डॉक्टर सदाओ उसकी जान बचा लेते हैं। वो एनिमी, वो बच्चा जो उनके घर के बाहर आया था, उसकी तो जान उन्होंने बचा ही ली है। अब वो एक दिन घर के बाहर खड़े होते हैं और देखते हैं उधर वहां पे जहां उसने उसको भगाया था ना डॉक्टर सदाओ ने एनिमी को, वहां बाहर देख रहे होते हैं आइलैंड की तरफ और परेशान होते हैं कि यार मैंने क्यों उसको जाने दिया, मैं क्यों उसको नहीं मार पाया, क्योंकि वो भी अमेरिका में पढ़ के आए थे, तो अमेरिकन की सबकी ये शक्लें अपने दिमाग में याद करते हैं और बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मैं उसे क्यों नहीं मार पाया, मैं क्यों नहीं मार पाया। और तुम्हें पता है क्यों नहीं मार पाया, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी थी। ठीक है जी, अब पढ़ते हैं अपना अगला चैप्टर जो है, प्ले नहीं पढ़ेंगे अभी ऑन द फेस ऑफ इट डेरी बाद में, अभी पढ़ते हैं अगला चैप्टर जो है हमारा मेमरीज ऑफ चाइल्ड। ठीक है जी, तो मेमरीज ऑफ चाइल्डहुड में जो है हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जितकाला सा के बारे में। तो जितकाला सा कौन है, जितकाला सा एक नेटिव अमेरिकन लड़की हैं, और इनको जो है, जैसे नेटिव अमेरिकन लोग जो है वो कौन होते हैं गाइस, जो अमेरिका में तब से रह रहे हैं जब से अमेरिका है, नेटिव अमेरिकन तब से है, बाहर से बाकी लोग आके अमेरिका में सेटल हो गए अपना कल्चर लेके, और नेटिव अमेरिकन लोग तो नो ट्राइबल कल्चर जैसे रहते हैं। ठीक है, इनके अपने कल्चर की बिलीव्स होती हैं, अलग अलग तरीकों से नेटिव अमेरिकन लोग रहते हैं। तो अब क्या होता है भाई, ये लड़की है जितकाला सा, ये नेटिव अमेरिकन है, तो जो है इन सब नेटिव अमेरिकन, ये सच्चा अकाउंट है, झूठी कहानी नहीं है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड दोनों आपका रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। तो पहली कहानी में आप जितकाला सा नेटिव अमेरिकन लड़की के बारे में पढ़ रहे हो। तो ये जो नेटिव अमेरिकन होती हैं, इनके जैसे और बच्चों के साथ क्या होता है, अमेरिकन क्या करने लगते हैं, एक स्कूल्स बनवा देते हैं, और उन स्कूलों के अंदर ये नेटिव अमेरिकन बच्चे जो अपने कल्चर, अपने ट्राइबल बिलीव्स के साथ में रहते हैं, उनको भर्ती कर देते हैं और उनको अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अमेरिकन रहते हैं ना, भैया कपड़े अपने तरह पहनाए, चम्मच कांटों से खिलाएंगे, जूते अपने जैसे पहनाएंगे, वैसा इन बच्चों को बदलना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही जितकाला सा जब छोटी थी, ये बड़ी होती है ना, तो ये राइटर बनी और इन्होंने उस स्कूल के बारे में असलियत लोगों को बताई।
आपको मैं बता, मैंने अब इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, मैंने सोलो वीडियो भी इसके अपलोड कर दिया, मैंने पूरी पिक्चर्स दिखाई है कि कैसे सच में उस स्कूल के अंदर नेटिव अमेरिकन बच्चों के साथ नाइंसाफी की जाती थी, उनको बदला जाता था, उनकी पहचान उनसे छीन ली जाती थी। तो यहाँ पढ़ते हैं अब हम, तो जितकाला सा का एडमिशन होता है कार्लिसल इंडियन स्कूल में। अब तुम सोचोगे कार्लिसल इंडियन स्कूल क्यों, क्योंकि नेटिव अमेरिकन को अमेरिकन इंडियन भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो कार्लिसल इंडियन स्कूल में उनकी जो है एडमिशन होता है, और वो जो जगह है वो लैंड ऑफ एप्पल्स है, यानी कि लैंड ऑफ एप्पल मतलब बहुत ठंड की जगह है, बहुत ठंडी जगह थी वो, ठीक है। वहाँ पे जब वो जाती हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं, कहीं पे बेल बज रही थी आज तक, वो जहाँ वो जंगल वाले इलाके में रहती हैं, उन्होंने बेल नहीं सुनी थी, उन्होंने जूतों के कटकट की आवाज़ नहीं सुनी थी, उन्होंने किसी को इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हुए आज तक नहीं सुना था। और जब वो स्कूल में जाती हैं तो उन्हें बच्चों के जूतों से चलने की आवाज़ आती है, फ्लोर पे बेल बजने की आवाज़ आती है, और जो है इंग्लिश में लोगों के बोलने की आवाज़ आती है, तो उन्हें बहुत अजीब लगता है कि मैं कहाँ आ गई हूँ, ये तो वो जगह नहीं है जहाँ की मैं हूँ, ठीक है जी। देन जो है वो वहाँ पे जब एक समय आता है कि उनकी एक पेल फेस वूमेन, एक टीचर आके उनको डाइनिंग हॉल की तरफ लाइन में ले जा रही होती हैं, तो वो बाकी इंडियन गर्ल्स को देखती है, वाई इंडियंस पेंशन नेटिव अमेरिकन गर्ल्स को ही देखती हैं, तो वो देखती हैं कि उन नेटिव अमेरिकन गर्ल्स ने यूनिफॉर्म्स जो पहन रखी थी वो बहुत टाइट थी, बहुत टाइट छोटे छोटे कपड़े पहना रखे थे उनको, तो वो सोचते हैं यार ये लड़कियों ने कैसे पहन लिया, मुझे तो शर्म आ रही है इन्हें देख के, क्योंकि गाइस वो लड़कियां भी नेटिव अमेरिकन थी, वो जो है जितकाला सा से पहले आई होंगी स्कूल में, उनको ये बदल चुके थे अब, ठीक है जी। अब जितकाला सा जो है डाइनिंग हॉल में पहुंचती हैं और वहां खाना खाना शुरू होता है, डाइनिंग हॉल में वो बहुत ज्यादा एम्बेरेस होती हैं और रोना शुरू कर देती हैं, क्यों, क्योंकि डाइनिंग हॉल के अंदर क्या होता है, एक बेल बजती है, उस बेल के बजते ही जितने भी बच्चे डाइनिंग हॉल में थे वो चेयर बाहर निकालते हैं जो वहाँ पे टेबल के पास में रखी हुई थी, और जितकाला सा चेयर निकाल के उस पर बैठ जाती हैं, और डाइनिंग हॉल के जितने भी बच्चे थे वो सब खड़े थे, चेयर पे बैठे नहीं थे। तब एक और घंटी बजती है और सब बच्चे चेयर पे बैठ जाते हैं, और इस समय जितकाला सा चेयर से खड़ी हो चुकी थी शर्माकर। अब वो बड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये क्या हो रहा है, एक बेल पे चेयर बाहर निकाली, दूसरे चेयर बेल पे बच्चे चेयर पे बैठेंगे, और वो बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं। इतने में ही एक आदमी प्रेयर कर रहा होता है, उन्हें नहीं पता था प्रेयर हो रही है, उसको देख रही होती है, ये ऊंचा कुचा के कौन बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, तो वो जो उनकी टीचर थी पेल फेस वूमेन उसे घूर के देखती है, और तीसरी बेल बजती है और बच्चे चम्मच काटे अपने हाथ में उठा लेते हैं, तो ये बड़ी परेशान हो जाती है कि ये क्या व्यवहार हो रहा है हमारे साथ, ये फॉर्मूला क्या लगाया जा रहा है खाने के लिए, खाना खाने बैठो, ये क्या एक एक बेल पे जो है आपको अलग अलग कदम रखने हैं, तो ये परेशान होकर रोना शुरू कर देती हैं। बट ये पिक्चर थी, एक और अनहोनी इनके साथ होने वाली थी, अभी क्या होता है अगली चीज़ ये देखो। इन्फॉर्मेशन मिलती है इन्हें कि अब इनके लॉन्ग हेयर को कट करा जाएगा बाय हर फ्रेंड जुडेविन। इनकी जो दोस्त जुडेविन थी, याद है ना क्या था, जुडेविन को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, तो जुडेविन इन्हें बताती है कि भैया अब हम लोगों के बाल काटेंगे, ये अमेरिकन्स जो हैं अपने मेन स्ट्रीम कल्चर जैसा हमें बनाने के लिए हमारे बाल ये लोग काटेंगे, ठीक है। तो जुडेविन के को जो है जितकाला सा कहते हैं मैं तो अपने बाल नहीं कटवाऊंगी क्योंकि मैं नेटिव अमेरिकन पक्की वाली हूँ, मेरी माँ ने मुझे बताया है कि बाल उनके काटे जाते हैं जो कायर होते हैं या जो किसी की डेथ का शोक मना रहे होते हैं, मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी। जुडेविन कहती है नहीं बहन कटवाने पड़े, हम कुछ नहीं कर सकते। तो जितकाला सा एक कमरे में जाके छुप जाती हैं और फिर पकड़ी जाती हैं और इनको बाहर खींच के लाया जाता है और इनके बाल काट दिए जाते हैं। तभी चैप्टर का नाम है मेमरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट वन, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स। तो जब जितकाला सा के जो है लॉन्ग हेयर्स को कट करा जाता है बाय द अमेरिकन्स देयर, तो वो कहते हैं उस दिन मेरी जो हिम्मत थी वो सब टूट चुकी थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी माँ से जब से दूर हुई हूँ तब से मेरे साथ जानवरों जैसा जो है व्यवहार करा जा रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने लाइफ में गिव अप कर दिया अपने इस इंसिडेंट के बाद, नहीं, पता है तुम्हें जब वो बड़ी हुई हैं, वो इतनी बड़ी एक राइटर बनी है जितकाला सा, ये सच्ची का अकाउंट है जब उनको नेटिव अमेरिकन को डाला गया था कार्लिसल इंडियन स्कूल में, ठीक है जी। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट आपको पूरा पैराग्राफ। अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर हमारी विस्तार बुक का, सेकेंड पार्ट मेमरीज ऑफ चाइल्डहुड का, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे हमने बामा जी के बारे में पढ़ा जो दलित कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, स्कूल से वापस आने में वो बहुत सारा जो है टाइम लगाती थी, इवन दो जो है स्कूल से घर आने का रास्ता बहुत ही मिनिमम था, बट वो बहुत धीरे 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 वॉक करके आती थी, क्यों, हर इंटरेस्ट इन वॉचिंग द थिंग्स ऑन द वे, बहुत अलग अलग चीजें देखती थी। अब नाउ इट इज योर टास्क गाइज, आपको लगाना है कमेंट सेक्शन में एक 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 चीज जितनी याद आ सकती है लिख दो भैया, जहां जहां बामा रुक के देखती थी, साइकिल चलाने वाला साइकिलिंग को, फिर जो है कॉफी शॉप पे भी रुकती थी, वो जो है बंदर और मंदारी को भी देखती थी, और भी बहुत सारी जितनी चीजें जो भी मुझे याद है अभी, तो देखो गांधी जी के
स्टैचू के पास में फ्राइड स्नैक बिकते थे वो देखती थी, टेम्पल में देखती थी, टेम्पल जो बट रहा होता था प्रसाद उसको देखती थी, अलग अलग चीज़ों को देखती थी, वो सब लिख दो जो जो तुम्हें याद है ठीक है। और एक दिन वो देखती हैं ऐसी घर वापस आते हुए कि एक थ्रेशिंग फ्लोर हो रहा होता है, यानी कि एक जगह पे कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड काम चल रहा होता है, और वो काम कौन कर रहे होते हैं, इनकी ही कम्युनिटी के लोग, इनके मोहल्ले के, इनके जो है कम्युनिटी अपने जो है अपने यहाँ के लोग इनके काम कर रहे थे। और वहाँ पर क्या होता है, एक आदमी था, कौन, एक लैंडलॉर्ड, एक अपर कास्ट लैंडलॉर्ड जो था वो वहाँ पर बैठा हुआ था एक पेवमेंट के ऊपर ठीक है। अब वो वहाँ पर आराम से बैठा हुआ था और लोग काम कर रहे थे, वो बैठ के वो काम की निगरानी कर रहा था, वो मालिक था वहाँ का ठीक है। तो वो देखती हैं कि एक उनकी कम्युनिटी के एल्डर अंकल, बामा कौन है, दलित है, तो एक दलित ही थे वो अंकल भी उनकी कम्युनिटी के, वो एक पैकेट पकड़ के हाथ में ला रख रहे थे जो उनको, जिसको उन्होंने डोर से पकड़ा हुआ था, उसके ऐसा पकड़ रखा था कि पैकेट को वो छू ना दे, और वो उस लैंडलॉर्ड को ले जाके ऐसे देते हैं उनके हाथ में, और लैंडलॉर्ड उसमें से पैकेट में से एक वड़ा ही जो एक फ्राइड स्नैक होता है वो निकाल के खा लेता है। तो बामा को बड़ी हंसी आती है कि भाई वो अंकल क्या मजाक कर रहे थे, जिस तरीके से वो पैकेट को ऐसे डोरी से पकड़ के ले जा रहे हैं तो उन्हें बहुत फ़नी लगता है वो। और घर जाके वो अपने भाई को बताती हैं ये फ़नी इंसिडेंट। जब वो अपने भाई को बताती है तो उनका भाई बिल्कुल भी नहीं हंसता है। तो ह्यूमर वर्सेस रियलिटी, उन्हें अब उनका भाई रियलिटी बताता है कि बेटा ये जो है हमारे साथ ना इसलिए हो रहा है बिकॉज वी बिलोंग टू दलित कम्युनिटी, और इसलिए जो है कई लोग जो है हमारे को इक्वल ट्रीट नहीं करते, उन्हें लगता है हमारा टच जो है उनके खाने को उनको पॉल्यूट कर देगा, इसलिए उन अंकल ने इस तरीके से उसको पैकेट को पकड़ रखा था। जब से जो अब बामा को सच पता चलता है तो वो बहुत परेशान होती है और बहुत गुस्सा भी आता है उन्हें। तो उनके भैया उन्हें एक और इंसिडेंट बताते हैं, जब उनके भैया विजिट करते हैं लाइब्रेरी को, और जहाँ पे एक आदमी उनकी कास्ट इंक्वायर करने के लिए उनसे उनकी गली का नाम पूछता है, उनसे पूछता है, एक बार क्या होता है बामा के भैया आए बड़े जिनको वो बता रही थी वो फनी से थे, तो उन्होंने कहा बेटा ये फनी बात नहीं है। तो वो बताते बेटा मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं पास वाले गांव में गया था लाइब्रेरी में, वापस आते हुए एक आदमी ने मुझसे पूछा मेरा नाम क्या है, मैंने नाम बताया तो उसने कहा कौन सी गली में रहते हो, कौन से मोहल्ले में रहते हो, और वो जानने का मतलब था जिससे उसे पता चल जाए कि मैं कौन सी कास्ट को बिलोंग करता हूँ। तो फिर वो बामा को समझाते हैं कि बेटा अगर तुम चाहती हो तुम्हारी इज्जत हो इस समाज में और सब तुम्हें इक्वल ट्रीट करें तो एजुकेट हो, अच्छे से पढ़ाई करो। फिर बामा ने अपनी एडवाइस मानी अपने ब्रदर की, स्टडी एंड कम अहेड ऑफ इनइक्वालिटी, वो उन्होंने पढ़ाई करी और वो क्लास में फर्स्ट आई, एंड इस वजह से उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। बामा फिर बड़े होके देखो आप इतनी बड़ी राइटर बनी, एंड उन्होंने कितना पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आई थी वो अपनी लाइफ में अपने अंदर, पढ़ लिख के बहुत बड़ी राइटर बनी। एंड जो है ये मेमोरी थी उनके चाइल्डहुड की, जब उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत छोटे होते हुए अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस होते हुए देखा अपने सामने, और फिर उन्होंने क्या समझ लिया अपने भाई से उसे फिर इम्प्लीमेंट करा ठीक है जी। अब ये जो डेयरी वाला चैप्टर है तो नोट्स क्रिएटेड है, बट ये मैं आपको रिवाइज ऐसे नहीं करा रही हूँ क्योंकि ये ऐसे रिवाइज नहीं होता है डेयरी वाला चैप्टर। डेयरी वाला चैप्टर को 2x पे करके रिविजन ही करना है इसका तरीके से। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वीडियो गिवन है, पिंड कॉमेंट में वीडियो दे रही हूँ डेयरी की, ऑन द फेस ऑफ इट बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा दिया गाइज मैंने आपको, प्ले आपका समझ में आ जाएगा ये डायलॉग, 2x पे करके सुन लो, सोलो वीडियो है। तो विद दिस शुरू करते हैं अब हम अपनी पोम्स को, बस और बस कंप्लीट होने वाला है हमारा ये जो है पूरा का पूरा रिविजन सेशन, अब बची है हमारी पोम्स तो तो पोम्स पर चलते हैं अब हम। तो जो पोम है वो तो जो है फ्लेमिंगो के साथ में ही मैंने अटैच करी थी, तो पोम होंगी यहाँ पे हमारी क्लास 12th इंग्लिश के PDF में, ये रही पोम वाली स्लाइड। तो चलो पढ़ते हैं आप सारी की सारी पोम्स को। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोम से जो अब आने वाली है हमारी माई मदर एट 66। तो इसी बात पे विस्तार भी कंप्लीट हो गई, लाइक कर दो गाइस वीडियो को एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चलो जल्दी से पोम भी रिवाइज कर लेते हैं। अब आ चुके हैं हम अपनी पोएट्री के ऊपर, भाई कैसे प्रोनंसिएशन कर दी मैंने, पोएट्री के ऊपर। तो अब पढ़ेंगे हम पोम्स सारी की सारी। तो भाई जो है ना आप लोगों का एनिमेटेड पोम्स के भी वन शॉट आ चुका है, बट चलो मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे तुम्हें पोम का पूरा रिविजन करा देती हूँ, और भाई साहब यहाँ पे तुम्हें मिल रही है पोम की ये जो लाइनें हैं ना, ये कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें बहुत ज्यादा काम आने वाली है, पूरा फुल ऑन रिविजन हो जाएगा, एक चीज को नहीं लीव करने वाले। और तुम भी लाइक करना, लीव बिल्कुल मत करना, जल्दी से लाइक कर दो मेरे सारे प्यारे भाई बहनों। तुमने मुझे कहा है तो मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूं अब, वरना मैं तो चाह रही हूं बिकॉज आई एम इन सच अ फायर मोड भाई, बस मैं चाहती हूं कि तुम्हारे दिमाग में हर चैप्टर दिल दिमाग में बस जाए, क्वेश्चन आंसर ऐसे तुम लिख के आओ दैट तुम मुझे आके बोलो दीदी बढ़िया हुआ पेपर, 100 में से 100 हो गए पक्के, जैसे पिछले साल वाले आपके सीनियर्स ने करा था। तो ध्यान से सुनते रहो एक एक बात को, और जो है
शुरू करते हैं। अब हम पोम को नहीं करी है वीडियो लाइक, तो जल्दी जल्दी लाइक्स कर दो। चलो जी, चलो पढ़ते हैं। तो पहली पोम है माय मदर एट 66। इसको किसने लिखा है लाइव चैट में बता दो। माय मदर एट 66 इसकी राइटर कौन है, पोएट कौन है, पोएट कौन है, जल्दी बता दो मुझे आपने जो है लाइव चैट के अंदर। तो वो है कमला दास जी। तो क्या होता है इसमें पोएच, भैया एक बात बता रही हूँ, पोएच पोएच रखेंगे हम यहाँ पे। पोएच ट्रैवलिंग टू कोचिन एयरपोर्ट विद हर ओल्ड मदर इन अ कार। ठीक है, पोएट कहाँ जा रही हैं, पोएट जा रही हैं अपनी ओल्ड मदर के साथ इन अ कार। अगर देखो एक बात बता देती हूँ, एग्जाम में आपको जैसे माय मदर एट 66 के किसी क्वेश्चन में पोएट लिखा आया तो आप अब ना कंफ्यूज मत होना कि दीदी ये तो पोएटेस होती हैं, फीमेल हैं। तो अब ना ये चीज़ थोड़ा चेंज हो गया है। अब जैसे जो पोएट है भाई, पोएट है, राइटर होता है तो राइटर होता है, ठीक है, ऑथर है तो ऑथर कहते हैं ना, जैसे ऑथर है कोई भी चैप्टर का ऑथर है, फीमेलो मेलो ऑथर कहते हैं, तो पोएट इज पोएट ओनली। ठीक है, ये तो मेरा ये जो मैंने लिया है ये थोड़ा रीसेंट मटेरियल का है। तो तुम्हारे को अगर क्वेश्चन में पोएट लिखा आएगा, जैसे आंट जेनिफर टाइगर की पोएट जो है वो फीमेल है, ठीक है, तो आप पोएट में ही आंसर करना। अगर लिखा होगा डिस्क्राइब पोएट्स एक्सपीरियंस अगर माय मदर 66 में, तो कन्फ्यूज मत होना कि दीदी पोएट क्यों लिखा है, पोएटेस क्यों नहीं लिखा, तो नाउ इट्स चेंज्ड। ठीक है, हम पोएट ही कह रहे हैं, चाहे फीमेल पोएट हो मेल पोएट, पोएट कहो, ठीक है। ऑथर है तो फीमेल ऑथर होते हैं, मेल ऑथर होते हैं, ऑथर कहते हैं, राइटर होते हैं फीमेल मेल, राइटर एस होती है कोई नहीं ना, ऑथर एस होती है कोई नहीं ना, ऑथर होते हैं, तो वैसे ही आप पोएट होता है। ठीक है, समझ गए। तो पोएट कहाँ जा रही है, पोएट ट्रैवलिंग टू कोचे एयरपोर्ट विद हर ओल्ड मदर इन अ कार। तो वो अपनी मदर के साथ में गाड़ी में है, वो कोचिन के एयरपोर्ट जा रही है। अब वो रास्ते में देखती है अपनी माँ को, तो माँ की शक्ल उन्हें कैसी लग रही होती है, वान, वान मतलब होता है कलरलेस। तो भैया वर्ड मीनिंग आ गए यहाँ पे, लिख दो वान मतलब कलरलेस, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाएगा। पेल फेस, मुंह पीला लग रहा था, एंड डोजिंग, डोजिंग मतलब होता है ऐसे झक्की मार के सो जाना बैठे बैठे। उनकी माताजी जो है उनके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, बुढ़ापा रहा था, तो वो बिल्कुल सो सी रही थी वहां पे। और वहीं पे उनको डर लग जाता है, ओल्ड फियर आ जाता है उनके मन में कि यार मेरी माँ का इतना बुढ़ापा आ चुका है, कहीं वो मुझे जो है छोड़ के चली ना जाए। वो अपनी माँ के फेस को यहाँ पे एक डेड बॉडी के फेस से कंपेयर करते हैं, बिल्कुल लाइफलेस। डेड बॉडी से क्यों कंपेयर करते हैं, वो कहते हैं उनकी शक्ल कैसे लग रही थी उनकी माँ की उस समय, कॉर्प्स जैसी, कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी जैसी। बट वो ऐसा कंपैरिजन क्यों दिखाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कह रही थी कि अब बिल्कुल ही बेजान सा चेहरा लग रहा था उनकी माँ का, वो जो यंग यूथ में जो चमक होती है वो नहीं रही थी, और वो डर जाती हैं। अब जैसे ही वो डर जाती है कि मैं अपनी माँ को खोना दूँ, तो इस ध्यान को भटकाने के लिए वो गाड़ी से बाहर दिखती हैं। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर दिखती है तो वहाँ उन्हें स्प्रिंटिंग करते हुए ट्रीज दिखती, स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ते हुए। अब यहाँ पे परसोनिफिकेशन का डिवाइस यूज हुआ है, क्योंकि जो है ट्रीज भागते नहीं हैं। कोई भी ह्यूमन चीज़ों का करेक्टर अगर आप किसी और चीज़ पे लगाओ कि तो वो पर्सोनिफिकेशन होती है, तो ट्री स्प्रिंटिंग पर्सोनिफिकेशन है। और मेरी चिल्ड्रन, मेरी चिल्ड्रन एक मेटाफर है, यानी कि यहाँ पे वो कंपैरिजन करना चाह रही हैं। मेरी चिल्ड्रन क्या दिखा रहे हैं, मेरी चिल्ड्रन दिखा रहे हैं यंग एज, मेरी चिल्ड्रन दिखा रहा है या लाइफ, लाइफ का सिंबल है मेरी चिल्ड्रन की। ये तो बच्चे हैं, ये तो जवान है, इनके सामने पूरा अपनी लाइफ पड़ी है और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी से भरे हैं ये बच्चे। वहीं उनकी माँ क्या दिखा रही थी गाड़ी में बैठी हुई, ओल्ड एज एन अप्रोचिंग डेथ को। ठीक है, अब फिर वो जो है वो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पे पहुंच जाती है। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक जब वो अपनी माँ की शक्ल को दोबारा से देखती है फेस को, तो तब उन्हें अपनी माँ का चेहरा कैसा दिखता है, लेट विंटर के मून की तरह। लेट विंटर का मून मतलब क्या हो गया भाई, विंटर का चांद, जैसे मैं आपको हजारों बार समझा चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ, विंटर में चांद जैसे कोहरे के पीछे छुप जाता है और उसकी चमक नहीं रहती है, वैसी वो कहती कि मेरी माँ के चेहरे पर भी बिल्कुल चमक नहीं थी। और अब वो बहुत ज्यादा डर जाती है, बचपन का डर उन्हें याद आता है। व्हाट इज द बचपन का डर, जैसे बचपन में हम डरते कि हम अपने माँ से बिल्कुल दूर ना हो, ना स्कूल जाने का मन करता था और डर लगता था नहीं यार मम्मी के बिना कहीं नहीं जाएंगे, तो वही डर उनके मन में आ जाता है कि कहीं मैं अपनी माँ को खोना दूँ, वो इतनी बूढ़ी हो रखी है। तो वो डर जाती है सिक्योरिटी चेक पे, उन्हें बाय बाय करती हुई दूर उनकी माँ खड़ी थी। तो एट द एंड उन्होंने अपने इस डर को जो है अपने छुपाने की कोशिश करी कि माँ को जाते जाते थोड़ी डरा जाऊंगी, तो वो ऑल शी डिड वॉज स्माइल 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 एंड एंड्स विद अ पॉजिटिव नोट। अब इस पे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बताओ माय मदर 66 पॉजिटिव नोट पे खत्म करी हमारी मैडम ने, क्यों करी है, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत अच्छा करा, उन्होंने ऐसा अपनी माँ को हंसता खेलता गुड बाय करता हुआ गई और उनकी माँ बहुत समय तक जीवित भी रही। ठीक है जी, चलो जी आगे पढ़ते हैं अगली पोम को, जल्दी जल्दी लाइक्स कर दो। जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट लिख दो जी कंप्लीटेड, तो पोम कंप्लीट हो गई माय मदर 66, तुम भी कर दो लाइक इस वीडियो को जल्दी 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 से। थोड़ा सा अच्छा लगता है मेरे को भी कि मेरे माई बहनों को अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो इसलिए जल्दी लाइक कर दो, शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ, बता दो पोम पढ़ रहे हैं। चलो देखते हैं कीपिंग क्वाइट की पोम। मुझे पता है तुम्हें सब आता है, मुझे पता है तुमने सब पढ़ रखा है।
इतनी बार तो पढ़ा दिया, बट ये क्या है, ये फाइनल रिविजन है गाइस। यहाँ तुम्हारे दिमाग में ना जो भी लूप होल्स होंगे, जो भी गैप्स थे, यार ये मुझे लग रहा है भूल गया, ये मुझे लग रहा है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है, अरे यार ये तो पढ़ रखा है मैंने, ये तो मैंने पढ़ रखा है। व्हेन आई एम टीचिंग यू दिस, जब मैं ये पोम पढ़ा रही हूँ, ऐसा लग रहा है ना यार ये तो आता है। अब तुम देखो कैसे उस स्टेज से स्टेज पे आ गए हो। देखो यार इस बात पे तो तुम खुश हो जाओ, अपने लिए अपने आप को जरा टैपिंग कर लो अपने लिए बैठ के जरा, और लाइक भी जरूर कर देना वीडियो को कि तुम एक, अभी आज से हफ्ते पहले तक शायद तुम स्टेज पे हो कि तुम्हें इंग्लिश में कुछ नहीं आता, अब जब मैं ये चैप्टर ऑफ पोम्स पढ़ा रही हूँ, नाउ योर फाइनल रिविजन, अब तुम्हें लग रहा होगा मन के अंदर यार ये मुझे आता है, ये मैंने पढ़ा है। तो देखो कैसा क्विक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हमारा, ये हुआ है मेरी मेहनत से, नहीं हुआ ये मैंने तो क्या है, मैं तो हर साल करूँगी आप लोगों के लिए ऐसी मेहनत, ये हुआ है तुम्हारी मेहनत से, जो तुमने बैठ के जो है लाइव सेशंस को अटेंड करा, तुमने मैंने वो जो सोलो वीडियोस अपलोड करी अभी भैया वो नहीं देखी है भाई साहब तुमने, करेक्टर स्केच थीम वगैरह वो भी देख लेना, उससे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेशन में हेल्प होगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चलो पढ़ते हैं अगली पोम, कीपिंग क्वाइट। तो द पोएम टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। ये पोम कीपिंग क्वाइट में ये बातें लिखना क्या हो रहा है वो कह रहे, इंट्रोस्पेक्शन मतलब करना अपने बारे में सेल्फ एनालिसिस करना, अपनी गलतियों को समझना, ये होता है। इंट्रोस्पेक्शन क्या हेल्प करेगा, इट विल हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ, हमें अपने आप को खुद को समझने में हेल्प करेगा, एंड विल क्रिएट द फीलिंग ऑफ म्यूचुअल लव एंड रिलेशनशिप। हम खुद को भी समझ पाएंगे, अपने आसपास के लोगों को भी समझ पाएंगे, और दुनिया को अपने रिलेशनशिप्स को समझ पाएंगे, ठीक है जी। बाय क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, जब हम चुपचाप बैठ के अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे, तो पोएट डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी। तो पोएट ने ये नहीं कहा कि भैया मैं कह रहा हूँ कुछ करना बंद कर दो, वॉर मत करो, हाथ मत चलाओ, पैर मत चलाओ, मैन को उन्होंने बोला, वेल्स को हार्म मत करो, मैन गैदरिंग सॉल्ट को उन्होंने बोला भैया सॉल्ट मत गैदर करो, अपने जो है हाथों को जो तुमने नुकसान पहुंचाया उसको देखो। तो उसका मतलब उनका ये नहीं था कि अपने काम धंधे करना बंद ही कर दो बिल्कुल, घर पे बैठ जाओ खाली हर समय, नहीं, वो कह रहे नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आई डोंट वॉन्ट एनी ट्रक विद दैट, मैं ये कह रहा हूँ बैठो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी गलतियाँ पहचानो, अपने जो इतनी मेंटली तुमने पीस खुद को नहीं दे रखी है, मेंटली अपने आप को काम करो, पीस करो, फिर दोबारा अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। तो वो जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग भी अपना पेपर देने जाने से पहले, या जब भी अब तुम्हारा ये आखिरी दिन है कोई भी पेपर में, सिर्फ इंग्लिश में नहीं, जब भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो, सारी बुक्स नोटबुक साइड में, मोबाइल ईयरफोन साइड में रख के बैठ जाना 10 मिनट 15 मिनट, बस हद से हद इतनी देर आराम से बैठ के कुछ मत सोचना, रिलैक्स करना, देखना वो 5-10 मिनट क्या, कम से कम 2-3 मिनट के अंदर आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, एंड यू विल फील वेरी जो है चार्मिंग फील करोगे आप अंदर से, दोबारा बढ़िया से पढ़ोगे। तो वो यही कह रहे हैं, एक एक मोमेंट हमारी लाइफ में ऐसा आता है दैट हमें कभी रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है, अपने आप को समझने की ज़रूरत होती है, बट इस जिंदगी की भाग दौड़ में हम खुद को समझ नहीं पाते हैं, तो वो समझने की गुजारिश कर रहे हैं हमारे पोएट हमार से, ठीक है। तो ये पोम की टोन थोड़ी काम है, तो मैं जो है तुम्हें चिल्ला के अब नहीं पढ़ाऊंगी इस वाली पोम को, तो ऐसे ही सुन लो। तो मैं चिल्लाती इसलिए हूँ जिससे तुम्हारे कान तक आवाज़ पहुँचती रहे अच्छे से मेरी, ठीक है, और पेपर में गूंजो तुम्हें आंसर्स। द रीज़न फॉर द डिस्कार्ड एंड द वॉर इज द इम्बैलेंस बिटवीन मैन एंड नेचर। तो वो दो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन विल एस्टैब्लिश अ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल यूनियन। तो भाई अब हम अपनी सोल से कनेक्ट कर पाएंगे, और जो हमारा इस अर्थ पे रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो टोटल इनएक्टिविटी की बात करें वगैरह, नहीं, लाइफ में खुद को समझो और फिर आगे बढ़ जाओ, ठीक है जी। ये कंप्लीट होती है कीपिंग क्वाइट, सिंपल पोम। डिटेल वाली पढ़नी है तो पढ़ा रखी है, वो एनिमेटेड सीरीज है बड़ी प्यारी सी, वो भी देख सकते हो चाहे देखनी हो तो, अगर नहीं देखी अभी तक आपने डिटेल वाली, ठीक है। अब एक बार रिविजन करते हैं जॉन क्वीट्स की पोम, बहुत ही ब्यूटीफुल सी, थिंग ऑफ ब्यूटी। तो द थिंग ऑफ ब्यूटी पोम में जो है जॉन क्वीट्स ने बताया क्या सुंदर चीज़ होती है हमारी दुनिया में, वो होती है नेचर। जो नेचर है जो भगवान जी ने हमें प्रोवाइड करा, जो इतनी सुंदर नदियाँ, पेड़ पौधे, पहाड़ हमारे लिए बनाए हैं, वो जो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फूल पत्ते हमारे को उन्होंने प्रोवाइड करे, वो कहते हैं ये है ब्यूटी नेचर की, और ये है वो चीज़ जिसे तुम्हें प्यार करना चाहिए। अगर इसको, नेचर को प्यार करोगे आप, तो आप हमेशा खुश रहोगे, ये उन्होंने कहा है। तो द स्वीट ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर आर परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड मेक्स आर लाइफ स्वीट, ये बताया है हमारे पोएट ने इस पोएम के अंदर। वो कहते हैं इस पोएम में, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉरएवर, यानी कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती है वो फॉरएवर वाला जॉय देती है। ऐसा नहीं है कि आज किसी से प्यार करो, कल को किसी और से, तरसो किसी और से, नहीं भैया। वो कह रहे हैं कि जो ब्यूटीफुल चीज़ होती है, ऐसी ही ब्यूटीफुल चीज़ होती है हमारे पेरेंट्स का प्यार हमारे लिए, वो भी हमेशा हमारे से जो है सेम वाला, कॉन्स्टेंट वाला प्यार करते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, नेचर भी हमेशा हमारे को उतनी ही खुशी देता है जितनी पहले टाइम देता है। इट डज नॉट पास इनटू नथिंगनेस, कभी भी जो है नेचर की जो ब्यूटी है नथिंग नहीं हो सकती है, उसकी जो ब्यूटी है कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। जैसे बारिश, हम बचपन से बारिश को देखते आ रहे हैं, बट जब भी बारिश आती है तो हम खुश हो जाते हैं, हम हर बार जो है माउंटेन वाली हिल पे जाना चाहते हैं,
अब हम हर बार ना क्या होता है जब भी गर्मी की छुट्टी होती है हमें चाहिए होता है ना कि भाई यार घूमने चले जाए छुट्टियों में पहाड़ों पे। क्यों हर बार जाते हो? हर बार कभी बीच पे जाने का मन नहीं क्यों करता है आपको? क्यों भैया? नेचर के पास जाने का मन करता है तो उसकी ब्यूटी इंक्रीज होती है। अब नेचर हमें क्या देता है, हमें क्या प्रोवाइड करता है? साउंड स्लीप। जब आप अच्छा नेचर से कनेक्टेड होगे आपको साउंड स्लीप मिलेगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन डिसअपॉइंटमेंट्स एंड डर्थ ऑफ नोबल नेचर। दुनिया बड़ी ख़राब है भैया। तो ये जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं ये हमारी सैड और ग्लूमी लाइफ में, ग्लूमी मतलब परेशान दुख भरी लाइफ में खुशियों के पल जोड़ देती है। ठीक है जी, अब वो बताते हैं इस दुनिया में ब्यूटीफुल चीजें क्या हैं। अब तुम्हारे लिए ब्यूटी कोई भी हो सकती है बट पोएट के लिए ब्यूटी है, पोएट के लिए ब्यूटी है कौन कौन सी चीजें हैं, ये रही। मस्क रोज है, डेफोडिल्स है, क्लियर स्ट्रीम है और शीप है पोएट के लिए, थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये चीज को याद रखना पक्के से। तो पोएट के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये ब्यूटीफुल चीजें हैं। ओके जी, आगे पढ़ते हैं। दीज थिंग्स सूद एंड मेक अस हैप्पी। तो ये ब्यूटीफुल चीजें हमें हैप्पी बनाती है। तो जल्दी से एक बार कॉमेंट सेक्शन में, मैंने आपको पक्का बाय हार्ट लर्न करवाई हुई है थिंग ऑफ ब्यूटी गिवन बाय जॉन कीट्स, तो वो जल्दी से लाइव चैट में मुझे जल्दी जल्दी बता दो। ओके जी, चलो जी आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग ऑफ ब्यूटी, सेकंड पार्ट आ जाता है यहाँ पे पोएम का। नेक्स्ट थिंग ऑफ ब्यूटी वो क्या बताते हैं? स्टोरीज ऑफ हीरोज, वो हीरोज जो शहीद हुए हैं, जो जब यहाँ हमारी दुनिया से गए तो आज तक हम उन्हें याद करते हैं, वो माइटी डेड हैं, यानी कि वो शहीद जिनको हम कहते हैं ना, जिनकी किस्से हम सुनते हैं, जिनकी कहानियाँ सुन के हम इंस्पिरेशन लेते हैं, वो कहते हैं वो है दूसरी सोर्स ऑफ ब्यूटी। अब लास्ट में वो कहते हैं ये जो भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं उनकी जो लवलीनेस है, जो वो ब्यूटीफुल उनका जो प्यार आता है हमें उनके ऊपर, वो हमेशा बढ़ता रहेगा, कभी डिक्रीज नहीं होगा। और ये सब हमें मिल कहाँ से रहा है? ये नेचर ब्यूटीफुल, ये सब ब्यूटीफुल चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही है? इट इज़ इन इम्पॉर्टल ड्रिंक फ्रॉम हेवन। इम्पॉर्टल मतलब हमेशा मिलेगी भैया, हम रहे ना रहे अर्थ पे पेड़ पौधे, ये समुद्र, ये पहाड़ जो है दोबारा से ऐसे ही हो जाएगा इवन आफ्टर द डूम्स डे। तो अर्थ तो अपने आप को जो है हमेशा ब्यूटीफुल ही रहेगी, बट ह्यूमन लाइफ तो ट्रांजिएंट है ना, ह्यूमन तो इमॉर्टल नहीं है, इमॉर्टल नहीं है। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि ये जो नेचर की ब्यूटी है ये हमें कहाँ से मिल रही है? ये हमें भगवान जी ने दिए, ये हेवन से हमारे को मिल रही है। ठीक है जी, तो वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि ये संसार पूरा जो है गॉड ने जो हमारे लिए बनाया है यही पूरा ब्यूटीफुल है। ठीक है जी, चलो भैया थिंग ऑफ ब्यूटी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं अपनी अगली पोम पे। अगली पोम है हमारी रोड साइड स्टैंड, जो एक बहुत ही सिंपल सी पोम है। क्या होता है भैया, हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जो पोएट है उन्होंने देखा कि भैया एक जो है हाईवे के ऊपर, रोड के साइड के ऊपर एक स्टैंड लगा रखा है, एक दुकान लगा रखी है, और वो दुकान जो है जिन लोगों ने लगा रखी है वो बहुत ही गरीब से हैं। तो भाई इसी बात पे जो है आप लोग ध्यान फरमाओ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। वो जो गरीब से लोग हैं उन्होंने बड़ा मुश्किल से कुछ पैसे जुगाड़ करके जो है एक शेड लगाया है, और वो नो है वहाँ पे, वो क्या बेच रहे हैं? वो वहाँ पे बेच रहे हैं बेरीज, स्क्वाश बेच रहे हैं वो, और काफ़ी सारी चीज़ें वो बाहर भेज रहे हैं, ये जो है सोच के कि भाई हाईवे से आती जाती गाड़ियाँ इनसे कुछ ना कुछ चीज़ें खरीद लेंगी। बट जो है यहाँ पे जो है कोई भी गाड़ी इनसे कुछ भी खरीदने के लिए नहीं रुकती है। जो पॉलिश्ड सिटी पीपल है, पॉलिश मतलब वो चमकती हुई गाड़ियों में जो सिटी के लोग आते हैं, वो कुछ भी नहीं खरीदते हैं, बल्कि इनके जो शैबी स्टैंड है, शैबी मतलब बहुत ही सुंदर नहीं है, शैबी सा इतना मतलब बेकार सा लग रहा है देखने में, तो उस स्टैंड को देखकर परेशान हो जाते हैं। कहते भैया ये कितना अजीब सा स्टैंड है, इसका पेंट बेकार है, इससे तो पूरे पीछे का माहौल जो सीनरी है वो खराब हो रही है, यार ये लोग कितने कैसे हैं, इन्होंने नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन साइन अच्छे से नहीं लगा रखा है। तो वो ये नहीं देख रहे कि यार किसी गरीब आदमी ने मेहनत करने का, इनिशिएटिव लेने का सोचा है, कुछ पैसे से इसकी कुछ सब्जी खरीद लेते हैं, नहीं वो तो बस शिकायतें करते हैं वहां खड़े होके। ठीक है, द रोड साइड पीपल हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, देयर एम इज टू अर्न सम कैश टू इंप्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब रोड साइड स्टैंड के लोग बड़े सेल्फ रिस्पेक्ट हैं उनमें, ऐसा नहीं है कि वो भीख मांग रहे हैं हाईवे वाले लोगों से, शहरी लोगों से कि कुछ हमारे से खरीद लो, भीख मांग रहे हैं वो, नहीं वो तो कह रहे हैं भैया हमारे से खरीदो, हम बिजनेस कर रहे हैं। बट बिजनेस ये होने कहां देंगे इनका, कोई भी शहर का आदमी उनसे रास्ते में जाते हुए कुछ भी नहीं खरीदता है। द रूरल Folks are promised a better life by reallocating them near cities and rehabilitating them. Next जो important line is poem की, वो ध्यान रखना कि कभी कभी इन रोड साइड स्टैंड के लोगों को जो है आके झूठे झांसों में फंसाया जाता है, मीडिया में खबरें फैली जाती है, जब भी इलेक्शन होने वाले होते हैं तो पॉलिटिक्स चलती है, ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों को बड़े बड़े विलेजेस में रख दिया जाएगा, इनके घर बनेंगे, वहाँ पे इन्हें रोजगार मिलेगा, वहाँ पे इनको कुछ जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिनेमा हॉल होगा इनके घर के पास में और ये टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे।
और ये सब वादे उनके निभाए नहीं जाते हैं और इस वजह से उनकी रातों की नींद ही उड़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ उनको क्यों, ऑब्वियसली वोट्स के लिए जो है झूठे वादे ने करे जाते हैं। आगे पढ़ते हैं, द रोड साइड स्टैंड लोग जो है चाइल्डिश लॉन्गिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, चाइल्डिश लॉन्गिंग सफ़र करते हैं वो, जैसे एक बच्चा छोटा होता है ना खिलौने के लिए रोता रहता है, जैसे तुम बड़ा जिद करते हो आईफोन चाहिए, बुलेट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, स्कूल जॉब हाँ जाऊँगा तो बढ़िया वाला लैपटॉप खरीदूंगा, कॉलेज जाऊँगा तो वो जो चाइल्डिश लॉन्गिंग होती है ना बच्चों वाली, जो हम खाली अपने माता पिता से कर सकते हैं, वो चीज़ वो कह रहे हैं कि वैसी चाइल्डिश लॉन्गिंग है भैया इनकी, रोड साइड स्टैंड के लोगों की, सिटी ज्वेलर से कोई इनकी बात नहीं मानेगा, कोई इनके कहने पे कुछ खरीदने नहीं वाला है। वो कहते हैं पूरा दिन ये घर के बाहर खड़े रहते हैं और अपनी दुकान के बाहर खड़े रहते हैं विंडो पे और देखते रहते हैं यार कोई गाड़ी तो रुक जाए कोई तो कुछ खरीद ले, क्या लगता है कोई रुकेगी? भाई कोई नहीं रुकती है, सब सेल्फिश लोग हैं, और अगर एक रुक भी जाती है तो कोई यू टर्न लेने के लिए रुकती है, कोई रास्ता पूछने के लिए, हम भी रुकते हैं ना कई बार रास्ता पूछने के लिए, खरीदते हैं नहीं खरीदते हम लोग, हमारे जैसे लोगों की भी बात करें यहाँ पे पोएट, तो वो कहते हैं कि भैया यहाँ पे जो है ये लोग बहुत ही ज़्यादा कोई कदर नहीं करता है रोड साइड स्टैंड के लोगों की, कि भाई इनका भी आमदन चला दे, इनके भी तो घर में बच्चे हैं, ये भी कुछ कमाई कर ले, कोई इनके बारे में नहीं सोचता है। इनफैक्ट कुछ लोग तो इनके पास आके रुक के पूछते तुम्हारे पास पेट्रोल है क्या, गैस है क्या तुम्हारे पास में, भाई वो कहते हैं नहीं है, ये गरीब लोग इतनी मुश्किल से तो इन्होंने स्टैंड लगा के सब्जियां बेच रहे हैं, इन पे पेट्रोल और गैस होगी क्या लगता है तुम्हारे को, तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। अब एक समय तो ऐसा भी होता है जब पोएट फील करते हैं कि ये जो लोग हैं इनका दुख दर्द पीड़ा कभी खत्म ही नहीं होगी, तो इनको मार देना चाहिए, यानी कि इनको तो कोई तरीके से मार ही दो, तुम लोग जान से मार दो इन सबको, बट फिर कहते हैं ये तो बहुत बेवकूफ़ी की बात है, तो अगले दिन मैं जब अपने होश में वापस आता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरे जो रीडर्स हैं सारे के सारे, शायद वो मेरे को मेरी इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। पोएट की परेशानी क्या है कि रोड साइड स्टैंड के लोगों की बात कोई नहीं सुन रहा है, उनकी जो है कोई भी चीज़ें उनसे जाके नहीं खरीद रहा है, ये उनकी परेशानी है, तो वो इसलिए फिर उन्होंने पोम लिख देते हैं। और हम सब रीडर्स से रिक्वेस्ट करें कि जब भी हम हाईवे पे जाएं और कोई रोड साइड स्टैंड हो तो उनसे ज़रूर कुछ पैसों की चीज़ खरीदें। ठीक है जी, तो रोड साइड स्टैंड आपकी कंप्लीट होती है। अब पढ़ते हैं गाइस हम अपनी अगली पोम, जो है हमारी आंट जेनिफर्स टाइगर। तो भाई आते हैं आंट जेनिफर टाइगर पे। तो इन दिस पोम द पोएट एड्रेसेस द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ। तो मैरिड लाइफ में जो भी कुछ बुरी चीज़ें एक वुमन ने देखी है, यानी कि जो है आंट जेनिफर ने देखी है, वो बताई है। आंट जेनिफर इस पोम में क्या करिए, शी इज़ वीविंग अ टाइगर इन टू द पैनल। एक पैनल एक ऐसी एम्ब्रॉयडरी करने का, ऐसा लकड़ी का सा जो एक रिंग होता है उस पर कपड़ा लगा दिया जाता है, उस कपड़े पे जो आंट जेनिफर है वो टाइगर बना रही हैं। वो जो टाइगर्स हैं बहुत बोल्ड हैं, ब्रेव हैं और उन्हें कोई डर नहीं लग रहा है किसी भी आदमी से, चाहे वो आदमी उनका शिकारी ही क्यों ना हो जो शिकार करने के लिए जंगल में घूम रहा हो, और ना ही वो टाइगर किसी से डरते हैं। कहीं ना कहीं टाइगर जो है वो सिंबलाइज कर रहे हैं वो फ्रीडम जो आंट जेनिफर चाहती हैं अपनी लाइफ में। आंट जेनिफर भी चाहती हैं कि वो फ्रीडम से रहे, वो अपनी मन की मर्जी करे, वो भी फियरलेस ब्रेव होकर टाइगर की तरह रहे, बट ऐसा कुछ नहीं कर पानी है क्योंकि मैरिड लाइफ में उनके जो हस्बैंड है वो बहुत डोमिनेट उनको करते हैं, उनकी कुछ नहीं सुनते हैं, ना ही उन्हें फ्रीडम से जीने दे रहे हैं। इतनी ज्यादा भयभीत मतलब क्या हुआ, डरी हुई परेशान है आंट जेनिफर, दैट हर फिंगर्स जो हैं वो फ्लटर करती हैं, यानी कि वो जो है कांपती हैं उनकी फिंगर जब वो कढ़ाई कर रही होती है, कढ़ाई क्या एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है। जो उनका वेडिंग बैंड है, जो उनकी सगाई की अंगूठी है, वो बहुत भारी है उनके हाथ पे। अब कैसे भारी हो सकती है भैया, कितने महंगी सोने तोले की बनवा दी है जो भारी है? नहीं, यहाँ सोने की बात नहीं हो रही है, इस वजह से महंगी नहीं है ये, वो इसलिए महंगी है क्योंकि वो शादी के बाद जो बुरी बुरी चीज़ें उन्होंने झेली हैं उस सगाई की अंगूठी पहनने के बाद अंकल के थ्रू, यानी कि जो अंकल डोमिनेशन उन पर करते होंगे, जो अत्याचार उन पर करते होंगे, वो है उनकी जिंदगी पे। द डिजाइन ऑफ द टाइगर आर अपोजिट टू द नेचर ऑफ आंट, यानी कि जो टाइगर है वो बिल्कुल उल्टा है हमारी आंटी से। आंटी बहुत वीक है, सबमिसिव है, डरी हुई है, वही टाइगर जो बना रही है वो बहुत ही खुल के जीने वाले जंगल के राजा हैं। तो विद दिस आपकी ये पोम भी कंप्लीट होती है, विद दिस ये पोम भी कंप्लीट होती है आपकी आंट जेनिफर्स टाइगर। ओके गाइस, तो विद दिस कंप्लीट हो गया है हमारा फर्स्ट रिविजन सेशन। तो भाई पूरे की पूरी बुक लिटरेचर हमने कंप्लीट कर लिया, चाहे वो विस्ताज हो, चाहे वो फ्लेमिंगो हो, चाहे वो पोम हो। तो आई होप तुम्हें ये सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छी लगी है तुम्हें ये वीडियो, अच्छा लगा है तुम्हें ये सेशन, अगर आपको बढ़िया लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। और दूसरा काम जो तुम्हें करना है वो जरूर ये करना, जो चैनल मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, कि जिससे आप जो हो आगे भी मैं आपकी ऐसे ही मदद कर पाऊँ आपके सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो इंग्लिश के लिए हो या बाकी जो भी सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाती हूँ,
और पढ़ाने वाली हूँ आगे चल के, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है न्यू वाले चैनल को। एंड येस, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन टू ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, अभी आने वाला है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के भी एग्जाम, तो मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाती हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स भी मैं पढ़ाने वाली हूँ, तो डोंट वरी, आपकी सिमरन दीदी ऐसे ही आपको हर एग्जाम में मोटिवेट भी करती रहूंगी मैं तुम्हारे को, चाहे मैं तुम्हें वो सब्जेक्ट पढ़ाती ना हूं, बट मैं जरूर आके तुम्हें ये जरूर कहूंगी कि डरना नहीं है, बढ़िया से पेपर देकर आना है। तुम्हें कोई भी क्वेरी हो थ्रू आउट योर एग्जाम्स, चाहे वो सब्जेक्ट में तुम्हें पढ़ाती भी ना हूं, कभी डर लग रहा हो, कभी परेशानी हो रही हो, एक बार मैसेज कर देना एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज, ठीक है जी। तो डरना नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों ने, बेहतरीन आग लगा के आनी है भाई साहब इंग्लिश के पेपर के अंदर, फायर सिंबल इन द लाइव चैट जाते जाते भर दो लाइव चैट में, क्या पिंड कमेंट सिंपल वाले में भर दो, और लाइक पे लाइक कर दो इस वीडियो को, बेस्ट ऑफ लक बोल दो मुझे भी और खुद को भी इस लाइक बटन पे जो है क्लिक करके, और जल्दी से 2 मिनट का समय लगेगा, जाके न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो तुम्हारी आगे की लाइफ की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीयूईटी की तगड़ी तैयारी कराने वाले हैं। तो विद दिस बैठ के वैसे लोग, और अभी मैं जा नहीं रही हूँ, अभी थोड़ी देर बाद वापस आऊंगी राइटिंग सेक्शन कराने के लिए आप लोगों को पूरा का पूरा रिविजन, उसके बाद जो है आपकी बहुत सारी करेक्टर स्केचेस वगैरह जो है, वर्ड मीनिंग है, पोएटिक डिवाइसेस है, सब कुछ एक बार रिविजन कर लेंगे। तो भाई आ जाना चैनल पे देखने के लिए, नोटिफिकेशन शायद ना आए तो आ जाना आप लोग, ठीक है, चेक करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अभी तो मैंने बताए नहीं है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने वाले जो आ जाते हैं पेपर में अगले दिन ही, तो भाई कोशिश रहेगी अब की बार भी बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने की। तो जो जो चाहता है मैं लेकर आऊँ एक लाइव सेशन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, मुझे बता दो, तुम कहोगे तो जरूर आऊंगी, चाहे थोड़ा सा टायर्ड हो गई हूँ बट जरूर आऊंगी इंपॉर्टेंट भयंकर क्वेश्चन बताने भी, जो तुम्हें डेफिनेटली हेल्प तो कर ही देंगे। तो जो चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लाइव सेशन भी बता देना मुझे पिंड कॉमेंट के अंदर, नॉर्मल वाले कॉमेंट सेक्शन के अंदर, मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर।